Guys from Istanbul के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ, खुश आमदीद, वेलकम, मरहबा, गुनाइडन, मेरी टीम यहाँ पे मौजूद है और इस वक्त हमारी जो बोट है वो बॉस्फोरस की लहरों पे डगमगा रही है। मौसम आज बहुत खुशगवार है, सनराइज भी है और बादल भी हैं, तो आई थिंक ये सिलसिला चलता रहेगा। आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ, मेरे ख्याल में इट्स अ गुड मॉर्निंग, इस शिप की तरफ से भी आपको गुड मॉर्निंग। और मैं अपनी टीम का आपसे तारुफ करा देती हूँ, अब तो आप अच्छी तरह इन लोगों से वाकिफ हो गए होंगे, लेकिन एनी वे हस्ब रिवायत हमारे प्रोग्राम शुरू करने का एक तरीका है। जी, दिस इज जुरैन, हमारी सिंगर, गिटार पे हमारे पास पाशा है और बांसुरी बजा रहे हैं अशरफ। और वो पीछे छुप के बैठे हैं स्माइल। और हमारी मुस्कुराती हुई शेफ मरियम। आज जब हम बोट पर आ रहे थे प्रोग्राम शुरू करने के लिए तो ट्रैफिक का कुछ जाम था, शायद हमें थोड़ी सी हम लेट हो गए थे क्योंकि ट्रैफिक आवर्स होते हैं, ट्रैफिक के जाम होने के या रश आवर्स होते हैं, जैसे हमारे मुल्क में भी है उसी तरह बाकी जगहों पर भी है। तो कुछ देर के लिए ट्रैफिक जो थी वो ब्लॉक हो गई और आई वॉज थिंकिंग, मुझे एकदम ऐसे लगा कि ओहो देर हो रही है, और हम जैसे पाकिस्तान में अपनी शूटिंग्स पे या अपने काम पे जा रहे होते हैं तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है और यू नो एवरीबडी इज़ एंग्शियस कि अब ये कैसे होगा, कितनी देर लगेगी एंड एवरीथिंग, इरिटेशन शुरू हो जाती है। एनीवे वो ट्रैफिक क्लियर हो गई और हम आगे बढ़ गए। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि हम क्या क्या करते हैं, हम जहाँ तक जाता है पार्किंग कर देते, ये आपको मानना पड़ेगा हम कि हम चाहे मार्केट हो चाहे मेन रोड हो, किसी भी जगह जहाँ हमारा दिल चाहता है, और दुकान से एक 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 मिनट की कोई चीज़ पकड़नी है ना, कुछ पकड़ना है, गाड़ी यहीं पर रोकी, उतर के चले गए अंदर और फिर पीछे पीछे ट्रैफिक जाम हो जाता है, हॉर्न करते हैं लोग, हॉर्न गुस्से में आते हैं, इरिटेट होते हैं और फिर वो साहब उनको ढूंढा जाता है, या गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा के जो चले जाने का सिलसिला है ना, वो भी बहुत अमेजिंग है। हम उन रूल्स को, उन चीज़ों को फॉलो ही नहीं करते और उससे दूसरों को भी परेशानी होती है, बिना वजह की हमें एक इरिटेशन से गुजरना पड़ता है। सो आई थिंक एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए और सिर्फ सेल्फिशली नहीं सोचना चाहिए कि यार दो मिनट के लिए रुकें, कोई भी काम करना है तो थोड़ा दूर आप पार्किंग्स बनी हुई हैं, अब तो पार्किंग प्लाजाज भी बन गए, आप ये करते हैं तो दूसरे का दिन खराब हो जाता है, मूड खराब हो जाता है, वो आगे जाके किसी और से लड़ पड़ता है, वो जिससे लड़ता है वो अपने घर में किसी से लड़ पड़ता है, तो वो एक चेन रिएक्शन नेगेटिव शुरू हो जाता है। अगर हम इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करें तो आई थिंक आपका अपना दिन भी अच्छा गुजरेगा, आप दूसरों के बुरा भला नहीं सुनना पड़ेगा और दूसरों का दिन जो है आपकी वजह से बर्बाद नहीं होगा और बुरा नहीं होगा। और ट्रैफिक का ख़ास तौर पे इन चीज़ों का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। सीट बेल्ट बाहर के मुल्क में आके हम लोग सारे यही करते हैं, मैं अपने मुल्क में हम गाड़ी में बैठते हैं नवाबों की तरह, सीट बेल्ट नहीं लगाते, स्पीड का ख्याल नहीं करते कि किस जगह पे किस क्या स्पीड लिमिट है, उसका ख्याल नहीं करते और हेलमेट नहीं पहनते। ये बहुत एक बिकॉज ये कोई शो मारने वाली बात नहीं है, हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, ये आपकी अपनी ज़िंदगी का रिस्क है। जब तक कि कोई बड़ी एग्जाम्पल या कोई करीबी बंदा किसी हादसे से दो चार नहीं होता, हमें उस बात का ख्याल ही नहीं आता। और इस वक्त मेडन टावर के पास से मैं गुजर रही हूँ तो ये दिखा दे ज़रा, ये मेडन टावर है जी, एक शहजादी थी जी, उसे ख्वाब में आया कि उसकी डेथ जो होगी वो स्नैक बाइट से होगी, तो उसको सांप से ज़ाहिर है बहुत डर लगना शुरू हो गया और उसने अपने बादशाह सलामत को, अपने वालिद से कहा कि भाई मुझे ऐसा ख्वाब आया है और मुझे इस बात का बहुत खौफ है कि मुझे सांप का काट जाएगा और मैं मर जाऊंगी। तो फिर बादशाह सलामत ने उसको ये टावर बनवा के दिया और वो इधर है, अंदर बहुत खूबसूरत है जी, देयर इज अ रेस्टोरेंट बना हुआ है यहाँ पे, बैंक्वेट बना हुआ है यहाँ पे, लोग अपनी सेरेमनीज या कोई लंच वंच डिनर शिनर इस तरह की चीज़ें होती हैं, रिसेप्शन देते हैं, और ऊपर इसके एक जी कॉफ़ी शॉप है। तो इन्होंने अपनी सारी ये जो इमारतें हैं जो पुरानी है, हेरिटेज जो है, उसको ना सिर्फ प्रिजर्व किया है और लोग यहाँ पे आते हैं बट कि उसको एक एंटरटेनमेंट बना दिया है। हमारे पास ऐसी ऐसी खूबसूरत जगह हैं जो ज़ाया हो रही हैं, प्लीज़ मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये इल्तिजा है कि उन जगहों को रिस्टोर किया जाए, वो जो हेरिटेज साइट्स हैं हमारी, और उनको इस तरीके से टूरिस्ट के लिए बनाया जाए, टूरिस्ट के अलावा जो हमको जाना चाहेंगे, हमें कोई ज़रूरी नहीं है, हम पाकिस्तानी खुद उन जगहों को इतना विज़िट करेंगे, बाहर शहरों से आते हैं, मुख्तलिफ शहरों से, तो उन जगहों को आप रिस्टोर करें, उस जगहों को आप अट्रैक्शन बनाएं, उन जगहों को ज़ाया मत करें। सो ये
पता नहीं ये वो बातें नहीं हैं जो नई हैं, ये बातें हम जानते हैं, पता नहीं हम कब इन पे अमल करेंगे। एनीवे मैं तो ये बातें कर करके थोड़ी अपसेट हो जाऊंगी, इसलिए मैं मरियम के पास जाती हूँ और देखती हूँ कि आज वो क्या बना रही हैं, क्योंकि ये बड़ी दिल को दुखाने वाली बातें हैं। मरियम, और डिप्रेशन में कहते हैं कि जब आपका मूड ख़राब होता है लोगों का, डिप्रेशन होता है, तो फिर वो खाना ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। आई थिंक इस वक्त मैं उस स्टेट में हूँ। मरियम, हाउ आर यू? थैंक यू। सो व्हाट आर वी मेकिंग टुडे? आई एम वेरी डिप्रेस्ड। Why? I'm just feeling depressed. Why? Because I want कि हमारे मुल्क में भी जो इस तरह के हेरिटेज साइट्स हैं, किले हैं, फोर्ट्स हैं, there's so many beautiful forts in Pakistan, there's so many heritage sites and they are not being restored. And I want them to be restored like you have it in Turkey and people come. वहाँ पे हम लोग जाएँ, वहाँ रेस्टोरेंट्स हों, दुकानें हों, ये एक एक्सकर्शन भी है, फिर लोगों के मिलने जुलने का है और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का एक तरीका भी है। सो मरी, आई एम वेरी डिप्रेस्ड एंड व्हेन आई एम डिप्रेस्ड आई वांट टू ईट। यू आर इन द राइट वे इन दिस केस बिकॉज वी हैव वंडरफुल डिशेस टुडे टू ईट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट एन एपेटाइजर और ए मेन कोर्स, व्हाट यू कैन कॉल इट। ओह ये एपेटाइजर भी है और मेन कोर्स भी, सो दिस इज एन एपेटाइजर एंड अ मेन कोर्स। एग्जैक्टली, टुडे वी आर मेकिंग अ बुरेक, व्हिच इज नेम इज बुरेक। Burek, which is name is pachanga. 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 Okay. Actually, pachanga made by the dried meat we call pastirma. Pastirma. ये dried meat है. This is beef. This is beef. And made from the beef. ये देखिए, ये dried meat है. Okay. And also we are using some melting cheese, generally kashar cheese, but you can use whatever cheese you want. Mozzarella. Mozzarella is a good choice also. Mozzarella cheese आप ऐसे ही जो melt हो वो वाली चीज यूज कीजिए। ओके, एंड वी हैव सम चिलीज फॉर यू। ओह, बहुत जरूरी है। ओके, एंड सम टोमेटो टू मेक इट मोर जूसी। एंड देन आफ्टर टमाटर है जी। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज ब्रेड क्रम्स। अच्छा, ब्रेड क्रम्स, वो तो आपको पता ही है ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं। डबल रोटी जो घर में पड़ी होती है आप उसकी ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, कटलेट्स पे भी लगते हैं। एंड दीस आर एग्स। हाउ मेनी आर एग्स? देयर इज टू एग्स हियर। And after we fill our burek, our dough, with these ingredients, we are putting, dipping it to the egg yolks and egg whites and then breadcrumbs to make it more crispy and more oily. All right, ये तो जी आपकी रोटी डो है जिसके अंदर wrap करेंगे। Okay. And then we will fry it. उसके बाद आप उसको अंदर ये filling बना के उसको fill करके फिर आप उसको fry करेंगे। ये आप देखिएगा ये कैसे बनता है। And what is this? This is our one of the traditional desserts. It's called revani. Revani. Okay. And it's made with the yogurt. Yogurt ke saath, dahi ke saath. Kind of cake, but yogurt and semolina makes the difference. Semolina is a wheat? Wheat, a kind of wheat. All right, if you don't have that, what can you use? You can use just flour. Phir aap ye, this is corn flour? Flour. Flour aap use kar sakte hai agar aapke paas ye nahi hai to. Ye to, this is olive oil, your cooking oil? This is sunflower oil. Sunflower oil, this is sugar, ye to chini aa gayi aapke paas, great. What is that? And this is baking powder. Baking powder aa gaya aur aapke paas ye ande aa gaye. After we cook it, we put a sherbet on it. Achha. To make it more sweet and wet. Alright, the sherbet you're going to make with the sugar and water. Water and lemon. तो आप ये शरबत ये शीरा से बनाते हैं विद शुगर, पानी और थोड़ा सा लेमन, उसको ये शरबत कहते हैं। हम भी शरबत ही कहते हैं, शीरा शरबत। In Turkey we are making all the sherbets like 2 cups of water, 2 cups of sugar or 1 cup of water, 1 cup of sugar. Just equal size of the water and sugar should be equal. Mm-hmm. And how much lemon? Lemon, if you are making from 1 cup of sugar and water, just 3 or 4 drops lemon is enough. All right, 3 या 4 drops आपके नींबू के होंगे अगर आप 1 कप पानी और 1 कप शुगर के साथ वो शीरा बना रहे हैं। All right, Mariam, you get to work and I'll get to my work. अच्छा, ये सेमोलिना है, this is semolina, right? और वो सूजी होती है। मुझे खुद साथ साथ पता चल रहा है इन बातों का। Great. तो सूजी तो हमारे पास easily available है। All right, I'll see you in a bit then. Okay. हाँ जी। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन करा दूंगी अपने उस गेस्ट से जो ब्रेक के उस पार आपका इंतजार कर रहे होंगे। जी, आज भी हमारे गेस्ट बहुत स्पेशल है। उन्होंने अपनी सलाहियतों का, अपने टैलेंट का जो है मुजाहरा आपके सामने किया है। आप उनके फ़ैन हैं और एतराफ़ उन्होंने उसका सिर्फ हमारे मुल्क में यानी कि लॉलीवुड में नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी करवाया है और हॉलीवुड में भी करवाया है। यह हर किस्म के वुड से गुजर के आज हमारे पास यहाँ टर्की में आए हैं। आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, बहुत पसंद करते हैं,
बहुत एक डैशिंग पर्सनालिटी के मालिक हैं, आवाज़ भी उनकी बहुत रोबदार है और काम भी उनका बहुत रोबदार है। मैं नाम लूँगी, आप पहचान जाएंगे, ज़्यादा मैं क्या तारुफ कराऊँ। ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे अली खान से, सो डोंट गो अवे। जुरैन, लेट्स टेक अ ब्रेक। Sunrise from Istanbul, और हमारे international star Ali Khan हमारे साथ मौजूद हैं। Welcome Ali, how are you? You're looking great. Thank you Maria, you're looking lovely yourself. Thank you. तो अच्छा, Turkey कैसा लग रहा है? Turkey, are you coming here first time या आप आते रहते हैं यहाँ? नहीं, one of the few places in the world I hadn't been. So when the producers said कि आप हमारे show पर आएं, I was honored and I grabbed the opportunity with both hands. Especially since अच्छा, मैं समझी कि मेरी वजह से आए हैं। मैं ये समझी थी। नहीं नहीं, मैं वही कहने वाला था, अगर ये कहने का मौका दें कि रोज तीन इतनी खूबसूरत खवातीन के बीच बैठने का मौका तो नहीं मिलता, मारिया, मरियन और जुरैन के बीच। यू आर अ स्मूथ टॉकर, मुझे पता चल गया है कि अली इज अ वेरी स्मूथ टॉकर, सबको खुश रखना इनको आता है। ये देखें, ये मुझे स्मूथ टॉकर कह रही है, खुद इतनी अच्छी नौकरी इन्हें मिल गई है, रोज रोज ऐसे काम करने का मौका मिलता है, देख लें। देख लें, फिर आपको हम फिर बार बार बुलाएंगे और फिर आप बार बार आइएगा। इंशाल्लाह। नहीं नहीं, वेलकम टू द शो। और हम तो चाहते हैं कि हमारे गेस्ट यहाँ पे आए, अच्छे मूड में आए, अच्छी अच्छी खूबसूरत जगह पर आए और एक वेकेशन हो उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, इफ दे वांट टू ब्रिंग देम। और अच्छा माहौल होगा तो अच्छी बातें होंगी और प्रोडक्टिव हमारा शो होगा, अच्छा शो होगा, फन शो होगा आपके लिए। सो दैट इज़ व्हाई हमने ये ऐसा सेटअप किया है। क्या आप कहते हैं इसके बारे में कि हम स्टूडियो से निकल के जरा बाहर आ गए हैं? बहुत 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 उम्दा है। देखें, ऐसा माहौल आपको ढूंढने पे भी बहुत मुश्किल से ही मिलता है, तो अगर ऐसे माहौल में बैठ के बातें करने का मौका मिले, व्हाट कैन बी नाइस। नहीं नहीं, ऐसे माहौल में तो फिर कैमरे ना भी हो तो बातें करने का मजा है। एनीवे, सो उर्दू आपकी इतनी अच्छी कैसे? जी, एक्टर हूँ, रिहाइश परवरिश मेरी बम्बई की है, और बम्बई में जैसे कि आप जानती हैं, आप खुद इतना घूमी हैं, वहाँ लोग पूरी दुनिया के, पूरे हिंदुस्तान के एक मिक्स हो जाते हैं, तो जबान जो लोग बोलते हैं वो खालिस बिल्कुल नहीं होती, उसमें शेड्स मराठी भी आती है, गुजराती भी आती है, पंजाबी भी आती है। एज एन एक्टर मेरी कोशिश हमेशा ये रही है, और क्योंकि मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, बचपन से थिएटर से ताल्लुक़ था, तो मेरी हमेशा कोशिश ये रही है कि मैं जो भी करूं अच्छा करूं। और ये काफ़ी लोग जानते हैं, मैं उर्दू अनफॉर्चुनेटली पढ़ तो नहीं पाता, रोमन पढ़ता हूं, हिंदी पढ़ता हूं। इनका मैं आपको बता देती हूं, इनके साथ अभी मैंने बल्कि दो तीन प्रोजेक्ट्स किए हैं, और एक तो मैं बता देती हूं, एक तो ही इज़ वेरी पंक्चुअल, इनको देख के हमें शर्मिंदगी होती है, लेकिन मेरे साथ मसला ये है कि मुझे अब ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स ये पता चल गया है कि कौन से सेट पे कितना लेट जाना है, तो आई एम वेरी पंक्चुअल टू, बट मेरा और इनका जरा नजरिया मुख्तलिफ है। एनीवे, और दूसरी चीज़ ये कि ये लाइंस बिल्कुल इनको याद हो जाती हैं बहुत अच्छी तरीके से, बल्कि दूसरे का क्यू भी याद होता है, और रोमन में इनको असिस्टेंट लिख के देता है अंग्रेजी में, और ये उसकी प्रैक्टिस करते हैं पहले, बट जब व्हेन ही इज ऑन द सेट तो फिर आई मीन ये नहीं होता कि ये बताना ये क्या है, ही इज लाइक फ्लुएंट, जो विच इज़ अमेजिंग, क्योंकि आप जब एक जबान नहीं जानते तो वो एक हैंडी कैप हो जाता है आपके लिए, आप उसको पढ़ नहीं सकते, लेकिन इनके साथ मुझे वो हैंडी कैप कहीं आज तक काम करने में नज़र नहीं आया। और उर्दू की आप बात करें या उर्दू या हिंदी या जिस जबान की भी बात करें, मैं जिस बात की तारीफ कर रही थी वो ये था कि यू डोंट हैव एन एक्सेंट, मराठी हो सकता था या पंजाबी एक्सेंट हो सकता था या जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं फैमिली उसका एक्सेंट हो जाता, लेकिन इट्स वेरी साफ जो है लहजा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक आई सेड, आई एम ब्लेस्ड, बचपन से आदत थी टू ट्राई एंड डू थिंग्स करेक्टली, इसलिए जहाँ तलफ़ुज़ की बात आती है मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वोकैबुलरी बड़ी लिमिटेड है, लेकिन एज अ क्लेवर एक्टर उसी में खेलता हूँ ताकि लोगों को ज़्यादा पता ना चले। अच्छा अच्छा, तो फिर आप करेक्ट तो रहते हैं, तो क्या आप पॉलिटिकली भी करेक्ट रहते हैं? पॉलिटिकली मैं बहुत करेक्ट रहता हूँ। डिप्लोमेटिक है?
डिप्लोमेटिक नहीं कहूंगा, सैजिटेरियन हो, सैजिटेरियन ज्यादा मुंहफट होते हैं, तो जो दिल की बात है वो कह ही देते हैं, लेकिन लोगों को ये गलत फहमी है कि आई एम एन इंटिमिडेटिंग सॉर्ट ऑफ गाय, एरोगेंट, एरोगेंस जो मेरे पास शिकायतें आई हैं, बड़ा एरोगेंट है, बट आई वुड लाइक टू थिंक ऑफ माई सेल्फ कम्प्लीटली एट द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, एंड मैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेस लोगों के साथ एक मलंग के साथ भी बैठ के खाना खा सकता हूँ और एक बादशाह के साथ भी बैठ के, गधों के साथ ये गधे बन जाते हैं और घोड़ों के साथ घोड़े बन जाते हैं। बिल्कुल, आपने कह दिया, आप ही ने कहा। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ। बिल्कुल सही, मैं एंडोर्स कर रहा हूँ। ओके, अच्छा ये आपका तो उल्टा सफर है ना, लोग तो आई मीन लाइक हमारे यहाँ तो लॉलीवुड से बॉलीवुड जाते हैं, बॉलीवुड से हॉलीवुड जाते हैं, तो ये आपने वुड इधर का वुड उधर, सफर सीधा है या उल्टा तो नहीं जानता, लेकिन वो कहते हैं कि द सैमन ऑलवेज कम्स होम टू स्पॉन, तो मेरी भी बात शायद वही है, क्योंकि पाकिस्तान कराची की पैदाइश है। मैंने हमेशा सोचा था कि इंशाल्लाह जब मैं शादी करूंगा तो कराची आकर दुल्हन ढूंढूंगा। देखें, हर चीज प्लानिंग के साथ हुई थी। एक तो होता है ना कि ये जोड़े तो आसमानों पर बने हैं, एवरीथिंग, और तो क्या ये पूरी प्लानिंग थी कि मैं कराची आके, अंग्रेजी में कहते हैं यू हैव टू पुट द इंटेंट आउट इनटू द यूनिवर्स, और शायद मेरे साथ भी वही हुआ, मेरे शायद यही तमन्ना थी। तो 2004 में जगजीत सिंह के साथ शो करने आया था मैं, फरीदा खानम और जगजीत सिंह के साथ मोहट्टा पैलेस पर, तो उसी दौरान आई वॉज वेरी लकी, आई मेट माई फ्यूचर वाइफ चांदनी, और वो कहते हैं व्हेन यू मीट योर लाइफ पार्टनर तो फौरन पता चल जाता है, और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और कुछ 3 महीनों के अंदर अंदर हमारी शादी हो गई, और माशाल्लाह आप 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, और हम दुनिया के काफी जगहों पर रह के फिर कराची आए। बट ये कैसे, यू वर लिविंग वहाँ पे, अब वहाँ वीजा की भी प्रॉब्लम होती है, पासपोर्ट के भी मसले होते हैं, ये कैसे मैनेज किया, क्या है ये? देखिए, जब आप किसी चीज को करना चाहते हैं तो बस अल्लाह मियाँ साथ देता और वो मैनेज हो ही जाता है। तो जाहिर सी बात है कि मसले तो थे, मसले अभी भी हैं, लेकिन यू डील विद इट ईच स्टेप ऑफ द वे और रास्ता साफ हो गया। उस दौरान कोई सेपरेशन भी बर्दाश्त करनी पड़ी, लाइक दूर रहना, काम तो वैसे ही आपको दूर रखता है, बट क्या शादी 3 महीनों में करने की रीजन यही थी कि हम दूर नहीं रह सकते। फोन पर गुजारा बड़ा महंगा हो रहा था, तो मैंने इनके माँ बाप के सामने हाथ जोड़ दिया, कह दे दो भाई अपनी बेटी मुझे दे दो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज गुड। शादी के पहले साल हम वापस बम्बई गए, 10-12 महीने वहाँ रहे। मेरा कुछ काम चल रहा था इंटरनेशनली उमा शरीफ वगैरह के साथ, तो वो सारी फिल्में वो ख़त्म करनी थी, और उसके फौरन बाद हम लंदन शिफ्ट हो गए। अच्छा, you were in London for a long time. तो 5-6 साल लंदन में रहकर फिर। अच्छा, अब you are in Pakistan because you're doing a lot of Pakistan television and everything. You're doing a lot of that. बच्चे छोटे थे, I felt that they needed a local Eastern grounding. लंदन में रह के अगर आप अपने कल्चर से दूर रहते हैं तो आप एक कंफ्यूज देसी टाइप चीज बन जाते हैं। तो मैंने और चांदनी ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम बच्चों को, जब ये छोटे और ज्यादा इन्फ्लुएंसेबल हैं, तो इनको वापस इंडिया या पाकिस्तान ले जाएं, या पाकिस्तान, ताकि उनको एक देसी कल्चर, सब कॉन्टिनेंटल वाइब, ये सब मिल जाए, और जब फिर ये एक अच्छी थोड़ी सी मच्योर उम्र के हो जाएं, देन दे कैन डिसाइड, देन दे वी हैव द ऑप्शन ऑफ ऑलवेज गोइंग बैक टू लंदन। बच्चों को क्या अपने कल्चर, अपनी जबान के करीब होना चाहिए, एंड मैं वही आपसे पूछना चाहती हूँ कि यू डिसाइडेड पाकिस्तान, व्हाई नॉट इंडिया, अगर आप इंग्लैंड से आ रहे थे तो, आई मीन क्या सिमिलैरिटीज हैं दोनों कल्चर्स में? आई थिंक लाइक आई सेड, मेरी पैदाइश कराची की थी, फॉर द फर्स्ट 7 ईयर्स ऑफ माई लाइफ मैं पाकिस्तान में रहा। अच्छा। तो एज अ कॉन्शियंशियस डिसीजन मैं चाह रहा था कि माई चिल्ड्रन शुड एक्सपीरियंस एज मैनी सिमिलर थिंग्स एज आई एज माई सेल्फ। इनकी ननियाल कराची में है, दे वुड हैव द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स। मेरी अम्मी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वुमेन इन माई लाइफ, माई मदर, माई सिस्टर, माई वाइफ, तीनों अलहदा अलहदा मुल्कों में रहते हैं। तो अम्मी बम्बई में रहती है, मेरी बहन तानिया दुबई में रहती है, और चांदनी और मैं कराची में रहते हैं। तो ये कॉन्शियंशियस डिसीजन थी, एंड ऑब्वियसली आई एम ट्राइंग टू बैलेंस ऑल बैलेंस। लेकिन आप शुक्र करें कि वो इंग्लैंड और बहुत दूर नहीं है या ज्यादा सफर नहीं है, ये घंटे घंटे दो दो घंटे के सफर है जो आप अल्हम्दुलिल्लाह एक ही मुल्क में रहते हुए भी, आप जैसे हमारा, हम लाहौर से कराची जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, तो वो सफर जो है वो देर नॉट दैट फार अवे, मैनेजेबल, वेरी मैनेजेबल है ना, वेरी मैनेजेबल। अच्छा, होस्टिंग वगैरह भी आपने की है, कुकिंग, कुकिंग का शो किया था? देखें, मैं 20 साल से इस फील्ड में हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कर लिया है, काफी कुछ कर लिया है, और काफी कुछ कर रहे हैं, और एम्बिशन बहुत है, और इंशाल्लाह और बहुत करेंगे।
नहीं आई मीन टू से कि एक्टिंग दैट इज योर फोर्टे या दैट इज योर मेन थिंग दैट यू डूइंग फिल्म एंड टेलीविजन एंड एवरीथिंग तो होस्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा था? इंडिया में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है मारिया, जैसे लंदन में नहीं, अगर आप लंदन में एक्टर हैं तो आपका एजेंट जो है सिर्फ आपको फिक्शन का काम या एक्टर के का काम दिलाता है. अगर आप एज एन एक्टर रेडियो पे काम करना चाहते हैं यू नीड टू गेट अ सेपरेट एजेंट जो आपको रेडियो का काम दिलाएगा. सिमिलरली अगर आप डॉक्यूमेंट्री या नॉन फिक्शन पे काम करेंगे यू नीड अ सेपरेट एजेंट. इंडिया में इस किस्म की चीज़ थी नहीं, और क्योंकि सैटेलाइट टेलीविजन स्टार्टेड और इतनी कंटेंट की जरूरत थी कि जो भी अपॉर्चुनिटी आई अगर आप में हुनर था इफ यू हैड द टैलेंट टू बी एबल टू डू दैट ऑल द इंक्लिनेशन टू डू इट आप कर सकते थे. सो सिमिलरली होस्टिंग, मैंने जब सैटेलाइट टीवी शुरू हुआ एक बहुत पॉपुलर शो था नमस्ते इंडिया, जो एक ट्रैवल लॉग टाइप चीज थी और हम पूरे हिंदुस्तान में घूमते थे और फिर थोड़ा सा इंटरनेशनल शुरू हुआ तो वो मुझे मौका मिला. मुझे ट्रैवल से बड़ा शौक है, लाइक आई सेड आई एम अ सैजिटेरियन, आई एम अ फ्री स्पिरिट. तो दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट शोज आई स्टार्टेड होस्टिंग. और उसके बाद जाहिर सी बात है एक बार काम शुरू हो जाता है तो आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलती है. एग्जैक्ट. खाना पकाने, खाना खाने का इनको बहुत शौक है. तो मैंने कुछ 200 एपिसोड खानों के भी किए हैं तो और आ ही जाता है. रिसेंटली फूडिस्तान किया जो एक और पाकिस्तान और इंडिया के बीच 8-8 शेफ्स के बीच एक मुकाबला था. और फिर मैंने जब शादी की तो ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है क्योंकि मेरी अम्मी और बहन बहुत अच्छे कुक्स थे और जैसे कि आप कह रही है खाने का बड़ा शौक था. मैंने अपनी बीवी से पूछा, सर चंदा यार खाना वाना तो आता है ना? तो उसने कहा हाँ जी मैं पास्ता और स्टेक्स और इटालियन ऐसे नहीं, वो सारे गोरे खाने तो अपनी जगह में लेकिन दाल रोटी सालन के उसने कहा जी नहीं जी. तो मैंने कहा यार थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लो यार. तो उस वक्त जो रियाज था हमारा बावर्ची, रियाज ऑल्सो ग्रू अप विद चांदनी इन द सेम हाउस. तो अल्हम्दुलिल्लाह रियाज एंड चांदनी डिड अ क्विक क्रैश कोर्स और चांदनी का खाना लाजवाब बात है. बल्कि आज हम कोशिश कर रहे थे कि इनकी वाइफ से कुछ दाल चावल को अचार टाइप चीज जो है वो हम लेट हो गए थोड़ा सा, बट आई विल होल्ड यू फॉर दैट ऑफर. एब्सोल्युटली कराची में, वरना अगर यहाँ पे नहीं तो. ब्रेक के बाद हम अली के साथ बात जो है कंटिन्यू करेंगे. जुरैन लेट्स टेक अ ब्रेक. Welcome back to Sunrise from Istanbul. The very, very talented, the dashing Ali मेरे साथ मौजूद है and I'm very happy to have him here. Ali, माह मीर में काम करने का फिल्म में क्या कैसा तजर्बा रहा आपका? जी पाकिस्तान में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि सब जानते हैं फिल्म मेकिंग का रवैया फिर से शुरू हो गया है, बहुत अच्छी फिल्में बनी हैं. लेकिन माह मीर की एक इनफरादी बात ये है कि द सब्जेक्ट दैट दे हैव चोजन is quite a tricky subject to deal with, and for a producer or financiers to take a risk with a non-commercial subject ek bahut badi baat hai. badi baat hai. to jab Anjum Shehzad jo director the aur Khurram bhai aur Badar, these guys came to me and spoke to me about the project, pehle to meri kuch samajh mein zyada aaya nahi. तो मैं अपने घर में बैठा था और मैं सोच रहा था कि यार ये कह रहे हैं कि 3-4 दिन का काम है, फिल्म का काम है, कर लो अली खान. जब मैं स्टूडियो पहुंचा तो मेरी कुछ आंखें खुली और मैंने कहा कि यार ये लोग तो वाकई कुछ कोशिश कर रहे हैं. तो मैंने कहा कि नहीं यार अब थोड़ा सा जाग जाओ. और फिर जो स्क्रिप्ट थी वो ज्यादा फारसी में थी क्योंकि एक पीरियड पीस है. मैं मॉडर्न जमाने में था नहीं बल्कि फ्लैशबैक पीरियड में था. एक नवाब बना था तो कॉस्ट्यूम बड़े जबरदस्त थे और मेकअप और लुक, तो एज एन एक्टर वो तो खुश हो गया. अब थोड़ी बहुत मतलब नर्वसनेस शुरू हो गई कि भाई अब डिलीवर भी करना है. ये साहब रूज लाली तो लग गई है. अब जैसे कि आपने ऑलरेडी बता दिया मैं तो पढ़ता भी नहीं हूँ तो असिस्टेंट हल्के हल्के मुझे समझा रहा था.
उसमें तलफ्फुज़ का बड़ा खेल है, बड़ा खेल फारसी है। जो हमारे राइटर हैं वो अपने आप बहुत ही रिनाउंड स्कॉलर हैं, सरमद सबाई जी। तो सरमद जी का प्रेशर था, प्रोड्यूसर्स का प्रेशर था और खुद की एक्सपेक्टेशंस, आई कांट लेट माई सेल्फ डाउन। तो वो शूट में जो मैं सोच के गया था कि 2-3 दिन के आराम का काम करके निकल जाऊंगा, एक्चुअली काफी मुश्किल काम हो गया, बिकॉज एज एन एक्टर यू हैड टू बी ऑन द मनी। अब मैं ज्यादा फिल्म के बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि मैं चाहूंगा कि लोग आएं और देखें, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी इंटेंट से प्रोडक्शन वैल्यूज बहुत ही जबरदस्त हैं, जो स्टार कास्ट है वो बहुत पॉपुलर है, तो आई एम वेरी होपफुल दैट द ऑडियंस विल अप्रिशिएट इट। और आपका बाकी जगहों पे काम करने का जो तजुर्बा था वो कैसा रहा? डिफरेंट, आपने यू वर्क्ड ऑल ओवर द पूरी दुनिया में आपने काम किया है, क्योंकि फिल्म तो आपको हर जगह ले जाती है, बॉलीवुड में भी आपने किया और हॉलीवुड में भी किया, सो मुख्तलिफ ये जगहों के मुख्तलिफ कैसे थे तजर्बा? देखें जी, ये हमारा काम जो है इट हैज़ टू बी टेकन वेरी सीरियसली एज अ बिजनेस, ये मजाक नहीं है। प्रोड्यूसर के पैसे लगते हैं और दिन में सिर्फ उतने घंटे होते हैं। तो मैं जब कंट्रोल रूम में बैठा था और आपकी इंट्रोडक्शन सुन रहा था और आप कुछ सिविक टिप्स दे रहे थे और कह रहे थे कि पाकिस्तानी गाड़ी ऐसे लगाते हैं वैसे लगाते हैं, हमारी कौम जो है वो एक चौड़ी कौम है, थोड़ा आराम लायक है ना, नवाबी, जरा थोड़ी सी नवाबी अल्हम्दुलिल्लाह, खाने पीने में, शुगल में, मजाक में, मस्ती में, तो वो ही थोड़ा सा रवैया स्प्रेड्स इनटू द आ बिजनेस एज वेल। दुनिया में एक टाइम होता है और उस टाइम की बड़ी पाबंदी होती है, क्योंकि टाइम इज मनी, तो आप उस टाइम को जाया नहीं करते। बट हैविंग सेड दैट, अब क्योंकि मुझे 2-3 साल हो चुके हैं इस बिजनेस में, पहले साल तो मैं बड़ा घबरा गया और बड़ी चिढ़ आती थी और लोग कहते थे कि जी 9 बजे आपका कॉल टाइम है और 12 बजे तक गाड़ी नहीं आती थी, तो हाफ योर एनर्जी यूज्ड टू गेट स्पेंट इन फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि 9 बजे का टाइम है तो आप 8:30-8:30 बजे उठ के तैयार होने के प्रोसेस में आपका दिन शुरू हो चुका है। नहीं नहीं, तो तैयार बैठे हैं, रेडी टू लीव फॉर वर्क। अब जब मुझे 10 बजे का कॉल टाइम मिलता है तो मैं 9:30 बजे उठता हूँ, पहले तो बंदे को फोन करता हूँ भाई, जिंदा हो, उसके बाद मैं वर्कआउट करता हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ, उसके बाद मैं नहाता हूँ, क्योंकि पता है कि 12। लेकिन लाइक आई वाज सेइंग, हैविंग सेड दैट, उस काम के स्टाइल में भी एक अपनापन है जो अब महसूस होने लगा है, सो आई एम लविंग इट, नो कंप्लेंट। वही मैंने मेरी तरह ना कि वो किस सेट पे कितनी देर से जाना है, जैसे शादियों पे आपको पता है कि अगर 8 बजे का टाइम है तो 10:30 बजे से पहले पहुंचने की जरूरत नहीं, उठे ही ना, वक्त पे पहुंच जाना, हाँ हाँ पहुंच जाएंगे 10:30-11 बजे के बाद। और अगर आपको सही वक्त पर भूख लगती है तो बेहतर ये है कि खाना खा के आप शादी पर जाएं, बिल्कुल, ताकि आपका मूड खराब ना हो। अच्छा, कौन सा डायलॉग है जिसपे सबसे ज्यादा, क्योंकि फिल्म और थिएटर ऐसी चीज है जिसके अंदर एक्टर जो है वो अपने डायलॉग और अपने काम की वजह से पहचाना जाता है, तो कोई ऐसी मेमोरी या समथिंग दैट आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ, बड़ी दाद मिली हो या रिएक्शन पब्लिक का बहुत आया हो? रिएक्शन पब्लिक का तो काफ़ी चीज़ों पर आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिएक्शन पिछले सालों में ख़ासतौर पे पाकिस्तान में, तो जाहिर सी बात है कि डॉन मूवी मैंने की है तो उसके डायलॉग लोग याद करते हैं, तो क्या था जरा अब आप ही बताएं, मैं क्या बताऊंगा, मुझे क्या पता, मेरी तो डॉन से मुलाकात नहीं हुई अभी तक, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, तो मुलाकात होगी कैसे? हाँ जी, वो क्या, मैंने सुना एक चिड़िया आपके घर आ गई और फिर आपने, नहीं बड़ा एम्बैरेसिंग है, आप पूछ रहे थे कि कोई मजेदार दिलचस्प किस्से, तो आप गोल कर गए जी, मैं कोशिश कर रहा था गोल करने की, लेकिन इनफैक्ट माही मीर के सेट पर हम शूटिंग कर रहे थे और डायलॉग था बंदा परवरी का शुक्रिया, तो मैंने कहा बंदा परवरी का शुक्रिया, तो पीछे से लोगों ने कहा वाह जी अली साहब क्या डायल, तो फिर हंस के छुप के मैंने कहा भाई ये बंदा परवरी का मतलब क्या होता है। और उसी तरह इंडिया में एक बार फिल्म कर रहे थे नसीर भाई के साथ, तो चिड़ियाघर का कोई डायलॉग था, मुझे पता नहीं चिड़ियाघर जू कहलाता है, तो मैंने कहा कि चिड़िया घर आ गई या इस तो ऐसे काफी भांड होते, ऐसे ऐसे होते जो आप लोगों को देखने का मौका नहीं मिलता। हाँ। थैंकफुली वो ब्लूपर्स भी हम आपको चला के किसी दिन दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या, नहीं मेरे अपने बहुत होते हैं जब मैं हम लोग कर रहे होते हैं, बार बार रीटेक्स हो रही होती है, पता नहीं क्या कुछ कह रहे होते हैं हम लोग, बट वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, टाइम हमारा इतना एक दूसरे के साथ गुजरता है दैट वो एक फैमिली और फैमिली एंड फ्रेंड्स टाइप का सिस्टम बन जाता है। आजकल आप किसी डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे हैं?
You were working on some documentary. जी पेशे से तो मैं ट्रेंड फिल्म मेकर हूँ, एक्टर तो मैं बाई डिफॉल्ट बन गया, हॉबी थी बचपन से. फ्रॉम द एज ऑफ 8 मैं एक्टिंग करता था, तो राजीव गांधी साहब एट्सेट्रा एट्सेट्रा. लेकिन व्हाट आई स्टडीड वाज फिल्म मेकिंग. तो आई गॉट अ डिप्लोमा फ्रॉम इंग्लैंड, केम बैक, यूटीवी के लिए मैंने काम शुरू किया. तो तजुर्बा काफ़ी था, डॉक्यूमेंट्रीज, पब्लिक सर्विस फिल्म, वो मेरा एक शौक है. यहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान में मैंने खुद पाकिस्तान को इतना कम एक्सप्लोर किया, और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है, मैं चाह रहा हूँ कि एक सॉफ्ट इमेज जो मैं देखते हैं और अप्रिशिएट करता हूँ और एक्सपीरियंस करता हूँ, उसी को ग्लोबल ऑडियंस के साथ शेयर करूँ. और इसीलिए डॉक्यूमेंट्रीज और इस किस्म के फिल्म्स, ट्रैवलॉग्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि दुनिया को एक दूसरा पाकिस्तान का रुख देखने को मिले और अप्रिशिएट करने को मिले. और सिर्फ दुनिया को नहीं, जब मैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, लोगों को दिखाता हूँ, पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान में रहते तो कहते हैं वाकई यार ये हमारे मुल्क में है. एंड आई सेड यार मैं जाकर देख आता हूँ. नहीं नहीं, ये बड़ी एक पॉजिटिव बात है, हमारे मुल्क में हमारे लोग जो है उनकी पहचान सिर्फ वो प्रॉब्लम नहीं है जो मीडिया में हाईलाइट की जाती है. हम आम लोग हैं जो 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 खुश रहना भी जानते हैं, पार्टी करना भी जानते हैं, शुगल मेला भी चाहते हैं, हम खुश भी होते हैं, रोते भी हैं, बट ये एक कोई चीज़ नहीं है कि आप दुनिया को दिखाएं कि जी पाकिस्तानी ऐसे हैं. पाकिस्तानी कौम के बहुत रंग हैं. देखिए जी, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, जितने बच्चे हैं मेरे बच्चों के स्कूल में, समझ को, वो सब अपने माँ बाप के साथ नॉर्दर्न एरियाज यहाँ वहाँ घूमते हैं. बिल्कुल. पिछले साल आई वॉज प्रिविलेज्ड, पूरा पंजाब ट्रैवल करने का मौका मिला. तो लाहौर से हम चलते 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 नीचे चोलिस्तान तक पहुंचे. पूरा पंजाब में जहां हॉटबेड ऑफ पीटीपी कहलाता है, विदाउट सिक्योरिटी, विद वेरी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, 3-4 गाड़ियों के काफिले में हम घूमे हैं. और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एक सेकंड का मसला तो छोड़े, एक सेकंड की टेंशन भी नहीं हुई. तो जब सब कहते कि जी हम नहीं जा सकते, वो तो ऐसे इलाके, नॉनसेंस. आप जाएंगे, आजमाएंगे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा. क्या खूबसूरत बात की है इन्होंने. एंड कमिंग फ्रॉम हिम स्पेशली, ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है. एंड यही आउटलुक हम लोगों की होनी चाहिए, तभी हम इस चीज़ को फाइट भी कर सकते हैं. इसी नोट पे मैं आपको एक गाना सुनवाती हूँ. जरैन हमारे पास हैं, उनकी आवाज़ का फ़ायदा उठाते हैं. जरैन,
ब्यूटीफुल। गाने वाने को शौक है? थोड़ा बहुत, अच्छा नहीं गाता लेकिन शौक तो है। हाँ तो ठीक है ना, फिर शौक है तो उसको शौक ही होता है। हम कब कह रहे हैं कि आप कोई कॉन्टेस्ट में हिस्सा लें? मैं जानना चाहती हूँ, गुस्सा आता है? कभी नहीं। ये तो हो ही नहीं सकता, मैंने देखा हुआ है सेट पे, मैंने गुस्से में देखा हुआ है। देखे मैंने कहा था, नाराज होके चला गया काम छोड़ के, भाई मैंने खुद देखा है। देखे मैंने कहा था कि मैं सेजिटेरियन हूँ और अब हर चीज आप सेजिटेरियस पे ना डाल देंगे। मैं बिल्कुल, आई वेयर माय हार्ट इन माय स्लीव, तो जो भी है मैं फौरन बोल देता हूँ, वरना अंदर फेस्टर और सड़ना शुरू होता है। इसलिए दिल दुखे किसी का नाजायज नहीं, कभी कभी लोगों का दिल दुखाना चाहिए और फिर जाके आहिस्ते से सॉरी भी बोल लेना चाहिए तो कि भाई माफ कर तो ले तो लेकिन आप नहीं जी, गलत है। गुस्सा आता है, गुस्सा बहुत बुरी चीज है। बच्चों, भाइयों और बहनों, गुस्सा ना करें, थू 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 थूक दे गुस्से को, लेकिन फिर भी गुस्सा आता है। लेकिन मेरे नीचे बच्चे बैठे हैं और मेरे बच्चे जानते हैं कि मैं कितना गुस्सा करता हूँ। ये मसला है, लाइक गुस्सा इज समथिंग दैट को कंट्रोल करना। देखें, वो एंगर मैनेजमेंट की बात अभी तक नहीं आई है, लेकिन जी थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड और फ्यूज जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट है। दरअसल गुस्सा नहीं, बट आई कांट स्टैंड फूल्स, और ढीलेपन से मुझे चिढ़ है, तो मैं चाहता हूँ कि लोग थोड़े से चुस्त, क्योंकि आप एक काम के माहौल में, अदरवाइज यार रिलैक्स्ड, यू नो, मगर जब काम या कोई चीज कर रहे हो तो उसके ऊपर फोकस्ड हो, दिलो जान से करें। बिल्कुल बिल्कुल, इससे पहले कि इनको गुस्सा आए, इनको जरा ठंडा वंडा करते हैं, ठंडा पानी पिलाएं जी इनको। बस मैंने ये जबरदस्त चाय पी लीजिए, आपको गरम गरम कहवा भी पिलाएंगे। हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, अली हमारे साथ मौजूद है। ड्यूरेन, लेट्स टेक अ ब्रेक। Sunrise from Istanbul, और हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट अली हमारे साथ मौजूद हैं, और हम चाहते हैं कि इनसे बहुत सारी बातें करें और बहुत सारी ऐसी बातें जो लोगों को नहीं पता वो करें। So what is your weakness and what is your strength? I think my strength is my work ethic, my weakness is my family for sure. Yeah, अच्छा मैं तो समझी थी कि family जो होती है weakness नहीं आपकी strength होती है। They're my weakness because they give me the most strength. So without them, stress? They give me the most stress? Stress bola hai, strength bola hai. Arya. Main to pooch rahi hu, mera kaam to sawal karna hai bhai. Strength. Acha wo niche baith ke dekh rahe hai na, isliye. Maine saath laya hu taki full life dekh sake. Bilkul. So your kids, aapke do bacche hain. What are their names? Ryan and Inaya. Beautiful names, beautiful Thank names. You. And nothing to do with me, my wife's choosing. बीवी को खुश रखना भी आता है। मैंने सिर्फ अप्रूव किया। अप्रूव किया था। Nice names, very nice names. So वो hobby बच्चों के लिए, what do you think is most important? जब ये growing up वाली age होती है, तो उस वक्त दो तीन चीजें बताएं parenting के point of view से। Mothers तो बहुत ज्यादा involved होती हैं बच्चों के अंदर, लेकिन how important बाप का influence या उसका होना? अमूमन पहले तो ये होता था ना कि बाप की इतनी influence उस तरह नहीं होती थी, बाप तो बाहर होता था, काम करता था, but अब मैंने पेरेंट्स को, खासतौर पर फादर्स को बहुत प्रोएक्टिव देखा है, इन्वॉल्व देखा है बच्चों की लाइव्स में, विच इज़ वेरी वेरी गुड। सो व्हाट डू यू थिंक, ऐसी कौन सी तीन चार चीज़ें आपकी आपके जहन में या आपने जो सीखी हो और आप शेयर करना चाहें पेरेंटिंग के हवाले से? देखिए, मुझे पता नहीं कि ये सच्ची हदीस है या नहीं, लेकिन किसी शख्स ने मुझे बताया था कि जब बच्चा 7 साल की उम्र तक होता है तो आप अपने बच्चे के ग़ुलाम होते हैं, और 7, 8, 9 साल के बाद 14 साल की उम्र तक बच्चा आपका गुलाम होता है। तो जितना लाड और आप जितना अपने बच्चों को स्पॉइल कर सकते हैं छोटी उम्र में, आपका फर्ज बनता है कि आप उन्हें स्पॉइल करें। लेकिन बालिग होने की उम्र के आसपास जब मच्योर होने लगते हैं, इट्स अप टू यू टू ट्रेन देम, बिकॉज वो उनकी पर्सनैलिटी डिफाइन करती है। तो मैं फर्म बिलीवर हूँ कि बच्चों को बड़ा लाड प्यार देना चाहिए,
when they are of a certain age, उसके बाद उन्हें हल्का सा डिसिप्लिन करना चाहिए, वरना वो एक छाता जो होता है, एक साया जो होता है, अगर वो नहीं है तो बच्चे फिर थोड़े से, तो सबसे पहली चीज़ तो वो है. दूसरी चीज़, I have come from a broken family. मेरे पेरेंट्स डिवोर्स्ड हुए थे when I was quite young. मैं अपनी अम्मी के साथ रहा, तो I owe everything to my mother. इसीलिए I said she's one of the most important, if not the most important woman in my life. आज मैं जो हूँ, it's solely because of her and her interests. It's very important, I think, to have a complete family, क्योंकि जितनी अहम माँ होती है और उससे ज़्यादा अहम कोई हो ही नहीं सकती. The father has as important a role to play because it completes the unit. Or as a modern father, I think it's very important to be interested in your children's interests. बिल्कुल. ये नहीं कि आप सिर्फ अपने interests उन पे डालें. अगर वो किसी चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो उसे encourage करना चाहिए. Give them a chance to explore that completely and make up their minds whether they enjoy it or not. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने जैसे जिक्र किया कि आप ब्रोकन फैमिली से थे, तो योर फादर उतने ज़्यादा आपकी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं थे, तो उससे एज अ चाइल्ड एंड एज अ ग्रोन अप आपकी शख्सियत में क्या क्या कमियाँ रह गई जो आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों के अंदर आएँ? वॉट हैव यू ग्रोन अप विद? आई हैव ग्रोन अप विद अ फीलिंग ऑफ टोटल सिक्योरिटी व्हेन दैट सिक्योरिटी वॉज मिसिंग. अब आप खुद सोचें कि पेरेंट्स डे पे फॉर एग्जाम्पल अगर रिपोर्ट लेना स्कूल आते हैं पेरेंट्स, तो अमूमन माँ बाप दोनों साथ आते हैं. हमारे केस में सिर्फ अम्मी आती थी, तो अम्मी ने कभी बाप की कमी महसूस नहीं करने दी. लेकिन जब आप दूसरे के फादर्स को देखते हैं तो वो अंदर से एक थोड़ा सा फीलिंग डेफिनेटली आती है. और आप अपने अंकल्स में, अपने चाचा मामाज में एक फादर फिगर हमेशा ढूंढने की कोशिश करते हैं. बिल्कुल, बिल्कुल. और आपके ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी. लेकिन बाप तो बाप होता है. बाप तो बाप होता है. अच्छा, मैं एक और एंगल से भी ये बात पूछना चाहूँगी. आपका उसका केस मुझे नहीं पता, लेकिन अमूमन घर, ठीक है, बच्चों पर बहुत बुरा असर होता है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं ऑन दी अदर हैंड के मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ अगर बिल्कुल ना निभ रही हो और एक बुरी रिलेशनशिप, नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, तब भी रहना चाहिए और बच्चों पे बड़ा अच्छा असर पड़ता है उसका? लड़ाइयाँ झगड़े देखकर या टेंशन देखकर, कई दफ़ा सिर्फ ज़बान से नहीं बोला जाता बल्कि एक टेंशन अगर घर में है और एक लविंग माहौल नहीं है, तो मेरे ख्याल में उसका भी असर होता है. वॉट इज़ योर टेक ऑन दैट? बहुत ज़्यादा. आई थिंक टू ह्यूमन बींग्स, माँ बाप बनने से पहले इंडिविजुअल्स थे, और जब एक यूनिट बन जाते हैं, अगर खुदा ना खास्ता उनकी नहीं बनती है, तो rather than live in a toxic atmosphere, maturely, amicably, अलहदा हो जाएं, और फिर अगर हो सके आप अपने बच्चों को परवरिश दें अच्छी तरीके से, उनकी लाइफ में इन्वॉल्व, उनकी लाइफ में बहुत इन्वॉल्व रहें, उनको इनसिक्योर ना फील होने दें, is healthier than living in a bad marriage for sure. yeah. ab ye to zahir hai, aap jab apni har ek unique relationship hoti hai aur aap apni situation ko assess apne hi tarike se kar sakte hain aur koi kisi ka kaam nahi hai kisi ko judge karna, but ha is tarah ki situations mein koi na koi disadvantage ya advantages hoti hain, aur zahir hai aap us cheez ke khud hain responsible ki aap apni situation ko kaise handle karte hain. acha, what relationships, bonds, tell me about your bachpan, dost, kis kism ka tha, kya wo relationships aaj tak hain ya kahin gum gayi, kis kism ke, were you shy when you were young, dost kaise the aur halla gulla kaise hota tha aur buri aadatein kya thi us waqt, you know, us waqt ki youth ki? रिहाइश बम्बई की थी. बम्बई में किसी तरह का खौफ या डर नहीं है जैसे पाकिस्तान में. 70s 80s में एक फ्रीडम बहुत थी, तो घूमने फिरने का बहुत ऑप्शंस थे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छी चलती है इंडिया में, तो कहीं पे भी जाने के लिए कोई मसला नहीं था. तो ऑब्वियसली जब आप एक टीनेजर हो जाते हैं तो आपको माँ बाप पहली साइकिल दिलाते हैं, तो साइकिल वॉज द फर्स्ट. बिल्कुल. और आप साइकिल पर बैठकर दूर दूर मीलों मील जाते थे. 14-15-16 साल पे लड़कियों की अट्रैक्शन, तो फिर अगर कोई लड़की कहीं दूर रह रही है आप वहाँ पे भी पहुँच गए, वहाँ पे भी दिन गुजारा. साइकिल मिल गई, अब तो साइकिल मिल गई, फ्रीडम मिल गई. और क्योंकि बम्बई में मेरी
आई ग्रू अप देयर, तो स्कूल के मेरे अभी भी बड़े दोस्त हैं जिस स्कूल में मैं गया. इनफैक्ट अर्ली दिस ईयर वी हैड आवर 30th रियूनियन. अच्छा. और जहाँ पे भी दुनिया में लोग रह रहे थे वो सब वापस आए और गोवा में हमारी रियूनियन हुई. अच्छा. तो बचपन के सारे दोस्त अब भी हम सब जबरदस्त दोस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, दैट इज वेरी गुड कि आपने अभी तक पुरानी दोस्तियाँ. कोई बचपन का इंटरेस्टिंग वाकया हो जो यू नो आई वुड लाइक यू टू शेयर इट. बचपन का इंटरेस्टिंग वाकया, मैं बड़ा मोटा किड होता था. अच्छा. टोंडू जिसको कहते थे ना, तो हम तीन बड़े बड़े थे. अच्छा. मैं, मेरा दोस्त हलवा और एक तीसरा दोस्त हलवा राकेश नाम है उसको, हलवा कहते थे. हम तीन स्कूल में घूमते थे और लड़कियों को छेड़छाड़. तो एक बार क्रिकेट खेलने का मन कर रहा था, क्रिकेट बैट नहीं था, तो हम पीछे लास्ट बेंच पे बैठते थे. तो आराम से क्लास चल रही थी और हमने पीछे जो बल्ला होता है बैठने का वो अनस्क्रू करके उसको लंच ब्रेक में एज अ बल्ला यूज कर रहे थे. तो जाहिर सी बात है कि हमारे प्रिंसिपल जो थे उनको पता चल गया, तीन लड़कों को बुलाया और खूब बड़ी मारे. अच्छा, और लड़कियों के चक्कर में कभी लड़कियों से? तौबा तौबा, मैंने लड़कियों के कभी चक्कर में पड़ा ही नहीं जी. तौबा तौबा, कान पड़ गए. बताएं ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? लड़कियां फिर आपके चक्कर में पड़ी? बहुत बहुत, गिरती गई. लेकिन मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं. ये जो ये उछल रही थी, ये मछलियां नहीं थी जी, मर्मेड्स थी, जो अली का नाम सुन के है ना, उछल रही थी और ये इनके पीछे आई. यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट, कल बड़ा दिलचस्प है. आज सुबह मैं और मेरा बेटा और मेरी बेटी स्विमिंग करने गए थे, तो सडनली स्विमिंग करते करते राया ने पूछा, ट्रूथ और डेयर? ट्रूथ और डेयर? तो आई सेड ट्रूथ. डेयर तो कभी नहीं करेंगे ये ना. ट्रूथ. तो कहता है शादी के पहले हम नहीं गर्लफ्रेंड से दिया, फिर यार मैं नहीं करता. अच्छा, यस यस, कह दिया मैं क्या करूं. चलो, मेरा ख्याल है इधर उसको बैठा होना चाहिए, बिकॉज आई थिंक ही इज बेटर. अच्छा, तो आई मीन टू से कि जिस हम इस जिस शोबिज में हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वाकयात हो सकते हैं. कुछ स्टॉकर वॉकर थी आपकी कोई? आई हैड अ स्टॉकर, मैं एडमिट कर रही हूं. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टॉकर रही है मेरी, जो एक, ये पीछे तो नहीं आ रही है, कतरी नहीं इससे छोटी थी, जो एक कतरी प्रिंसेस थी. अच्छा. और कुछ दो साल तक कि मैं जहाज भेज रही हूँ और ये कर रही हूँ और पासपोर्ट नंबर भेजे और वीजा, तो भाई उससे तो दूरी भागे लग, लेकिन उसके सिवा कोई नहीं. उसके सिवा कोई नहीं, वो क्या कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ सच बोलूंगा. और हमारा तो कोर्टरूम ड्रामा है, तो कोर्टरूम ड्रामा जी अभी हमने किया है, जिसमें सच के सिवा हमने सब कुछ बोला है. एनीवे जी, हमारा अगला सेगमेंट है सी टीवी के प्रोग्रामिंग, आपको देखने का इत्तेफाक हुआ होगा. आज जो हम अपनी ऑडियंस को दिखा रहे हैं उसके प्रोमो और ट्रेलर्स हम आपको दिखाना चाहते हैं. अली, आप भी देखिए और फिर बताइएगा आपको ये प्रोग्रामिंग कैसी लगी. बॉल कैच करो, बॉल कैच करो. याहू, हम आ गए, अब हम घर जा सकते हैं. आंखें बंद करें मामा. तुम लोगों से दोस्ती करना चाहता हूँ. मैं हूँ यालचन. तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई. मैं गुलचन. मैं हूँ नारचन. मैं नूरचन. अस्सलामु अलैकुम, नए दिन और नई रेसिपीज के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ. हमारी मजेदार स्वीडिश रेडी है, बहुत मजेदार, कलरफुल और जल्दी तैयार हो जाने वाला डिजर्ट तैयार है. मैंने आज आपके लिए बहुत ही मजेदार और आसान मेन्यू तैयार किया है. ये रेसिपीज हर उम्र के अफराद को बहुत पसंद आएंगी. इस सैलड में जितने ज्यादा फ्रूट्स की वैरायटी होगी, सैलड का मजा उतना ही दुबाला होगा. उम्मीद करती हूँ हमारा आज का मजेदार और शानदार मेन्यू आपको पसंद आया होगा. एंजॉय कीजिए. अल्लाह हाफिज. जो चाहते थे हो गया. इब्राहिम भाई अंदर है. तुम जिसको फरिश्ता समझते हो वो शैतान है तुम्हारे लिए. वकील साहब ने
एलिफ को मारने की कोशिश की। हाँ, तुमने तो इस बार मेरा दिल ही जीत लिया है। इब्राहिम ऐसा कुछ नहीं कर सकता। देखो किसको लाया हूँ मैं, राना कराए, यानी हमें तो इंश्योरेंस मिल गई। हर जगह यही लड़की, जैसे और कोई स्टूडेंट ही नहीं है कॉलेज में। हर दफा मैं और राना मैडम आमने सामने क्यों आ जाते हैं? मैं जितना चाहती हूँ दूर रहूं, कुछ ना कुछ हो जाता है और हम एक दूसरे के सामने आ जाते हैं दोबारा। हेलो, अगर हमारी कोई बेटी होती तो उसका क्या नाम रखती राना? इब्राहिम। क्या ये सच है? कहां से निकाल रहे हो ये सब बातें? यहां आकर सब कुछ सच सच बताओ मुझे। ये तो कंफर्म है कि कोई बच्चा है, बस मसला ये है बच्चा है कहां। इस काम में तो मजा आने लगा है। शादीशुदा हो तुम? जवाब दो, शादीशुदा हो कि नहीं? शादीशुदा हूं। कमे कहीं के अपनी टांग जितने बच्चे को नहीं पकड़ सके तुम? जितना कमाते हो उतना काफी नहीं है क्या? किसी गरीब को मुश्किल में डालकर बहुत अच्छा लगता है तुम्हें। तुम्हारी वजह से एक खानदान टूट गया आज। सारा कसूर मुराद का ही नहीं है, मेरा भी है। उस्मान ने भी गलत किया है उसके साथ। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं सलीम का भाई हूँ, इसे नीचे करो। झूठ बोल रहे हो तुम, उसके भाई होते तो छुपकर अंदर ना आते। मेरे ख्याल से मंगनी को थोड़ा आगे कर देते हैं, सब कोई थोड़ा पुरसकून हो जाए, फिर रस्म भी कर लेंगे और मंगनी भी। क्यों मेरे पीछे पड़े हैं आप इस तरह? तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। क्या मदद करेंगे? सब कुछ पहले जैसा कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप सलीम साहब। तुम अपना पियानो बजाते बजाते इतनी दूर चले जाते हो कि तुम्हें वापस बुलाना ही पड़ता है। मेरी तकलीफ का किसी को अंदाजा है इस घर में? क्या है मेरी इस घर में इज्जत? आपके और आपके मजाजी खुदा के हाथों जिल्लत से तेरा ना। इश्क की दरगाहों में दिल से उठती है मन्नत। कब तक परछाई का पीछा करते रहोगे? मैं परछाई का पीछा छोड़ भी दूं, परछाई मेरा पीछा नहीं छोड़ती भी जान। ये थी जी आज जो हम अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं। अली, अपने बच्चों के प्रोग्राम देखे होंगे, वी आर वेरी प्राउड, सी टी वी इज़ वेरी प्राउड के हम लोग लाए हैं, बिकॉज आप भी एक कॉन्शियस पेरेंट है। 3 घंटे की प्रोग्रामिंग है बच्चों के लिए उर्दू में, माशाल्लाह, इन हमारी अपनी लैंग्वेज में, और मेरे ख्याल में ये पहली दफ़ा किसी ने इनिशिएटिव लिया। इसके अलावा बहुत सारी बच्चों की और भी प्रोग्रामिंग है, प्रोडक्शन और भी हम कर रहे हैं, बट 3 आवर्स फॉर चिल्ड्रन, What do you say about that? I think it's a fantastic thing. और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे इंडिया के बच्चों के बड़े प्रोग्राम मशहूर हुए, छोटा भीम वगैरह वगैरह, मैं ज़्यादा नाम तो नहीं जानता, बच्चे देखते हैं, लेकिन मुझे मौका मिला था एक पाकिस्तानी फिल्म में अपनी आवाज़ देने का, जिसका नाम 3 बहादुर है। और मज़े की बात यह है कि 3 बहादुर has done such good business in Pakistan, क्योंकि ऑडियंस है, और जब ऑडियंस को अपने खुद के हीरोज़ को देखने का मौका मिलता है, पैसे खर्च के सिनेमा गए, फिल्म को सराहाया, एंड द फिल्म हैज डन वेरी वेल, सो आई एम श्योर दिस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग विल बी अ सुपर हिट। बिल्कुल बिल्कुल, और क्योंकि हमने अपने बच्चों को अपने कल्चर और अपनी जबान और अपने मजहब का भी फ्लेवर देना है। आप दुनिया में हर जगह देखें, जो मर्जी देखें, लेकिन अपनी जबान और अपने कल्चर को ना भूलें। अच्छा, व्हाट आर योर हॉबीज, लाइक व्हाट डू यू लाइक डूइंग, आप क्या करना पसंद करें? कोई एक्सट्रीम हॉबी है, जैसे आप अभी छलांग लगाने लगे थे यहाँ से, हम तो डर गए थे कि अगर आप चले गए तो छलांग लगा दी तो हम प्रोग्राम कैसे करेंगे। जी मैं एक सारे एक्सट्रीम आउटडोर स्पोर्ट्स पसंद करता हूँ। एक्सट्रीम तो नहीं, मतलब आउटडोर स्पोर्ट्स, तो रनिंग, स्विमिंग, जंपिंग, डाइविंग, मोटर बाइकिंग, डर्ट बाइकिंग, अच्छा, हर चीज़ का शौक है। कराची में रहने का फ़ायदा ये है कि कोई रोक टोक नहीं है, बहुत सारे हॉबीज हैं जो आप
कंफर्टेबली इंडल्ज कर सकते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग साइकिलिंग ग्रुप है क्रिटिकल मास, तो उनके साथ साइकिल चलाता हूँ। अच्छा। मैंने अपनी डाइविंग कोर्स पाकिस्तान में की। हाँ, डाइविंग कोर्स हमारा। पैडी कोर्स अच्छा होता है वहाँ पर। तो इस किस्म के सारे आउटडोर स्पोर्ट्स बड़ा, तो बच्चे भी आपके साथ करते हैं? मैं बच्चों को बड़ा इनकरेज करता हूँ, और मुझे चिढ़ आती है अगर बच्चे ज्यादा टेलीविजन के सामने अपना वक्त गुजारें। तो जब मुझे मौका मिलता है एवरी डे वी आर आउट, और अगर मेरा बस चले वी वुड बी आउट ऑल द टाइम। और जैसे कि ये तो आपकी बीवी भी कंप्लेंट कर रही थी कि हर वक्त बाहर रहते हैं। हाँ जी, आउटडोर है ना। नहीं, मुझे ये बताइए कि व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कि बच्चे टेलीविजन तो देखते हैं, अब तो इतने गैजेट्स आ गए हैं, आईपैड एंड गेम्स एंड एवरीथिंग, ये कितना हेल्दी है फोन? हम लोग हर वक्त फोन में लगे रहते हैं, और बच्चों के पास ये सारी चीजें अवेलेबल है, क्या उस पर लिमिट होनी चाहिए? और आउटडोर स्पोर्ट्स, जैसे बच्चे पहले चोटें लगती थी, हम लोग गिरते थे, कोनिया जख्मी हुई होती थी, एंड यूज्ड टू रन एंड प्ले एंड एवरीथिंग, वो चीज अब कम हो गई है, आउटडोर स्पोर्ट कम हो गया है? ये चीज बोलने की तो नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि डेफिनेटली कम हो गई, और बच्चे काफी हद तक स्पॉइल्ड हो गए। मेरे बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं, उस स्कूल में फॉर एग्जाम्पल एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं, और जब कॉन्सेप्ट ही नहीं था ये, तो जब कभी कभी एसी काम नहीं कर रहा तो ये बच्चे वापस आते, अल्लाह कितनी गर्मी, और मैं हैरत से उनको देखता, कहता यू गाइस हैव नो आइडिया मैन। तो जाहिर सी बात है एज टाइम गोज बाय ज्यादा सहूलत आते हैं, विच समटाइम्स आर गुड समटाइम्स आर बैड। अब कौन कह सकता है कि एयर कंडीशन क्लासरूम्स आर नॉट गुड? कराची की जिस तरह की गर्मी होती है फॉर एग्जाम्पल, अगर एसी क्लास नहीं है तो जुल्म है बच्चों पर। लेकिन बहुत से स्कूल्स हैं जिसमें क्लासेस नहीं है, वो बच्चे भी पढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत अच्छी भी है, क्योंकि यही फ्यूचर है, लेकिन साथ साथ उसे अगर आप मॉनिटर करें तो जाहिर सी बात है बेहतर है। आप हैरान रह जाते हैं कि इतना सा बच्चा जो अपनी नीड नहीं बता सकता, वो आईपैड को ऑन भी कर लेता है और उसको स्वाइप भी कर लेते हैं बच्चे। इट्स लाइक नहीं नहीं, देखे ना, आप आईपैड अपने बच्चों को दें और आईपैड अपनी अम्मी को दें, अम्मी कुछ नहीं कर पाएगी, बच्चे सब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों को तो डर ही नहीं है ना तोड़ने का, या अम्मी ने डर के नहीं जी ये खराब हो जाएगा वो ये हो जाएगा, तो बस वही है। अच्छा जी, हमें वो ब्रेक के ऑर्डर आ गए हैं, जबकि मैं अगले सवाल पे जाना चाहती थी। सिलसिला तोड़ देते हैं ये, क्या करें, लेकिन एनीवे लेट्स टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम अली के साथ बात जो है वो कंटिन्यू करेंगे। जरैन, लेट्स टेक अ ब्रेक। साथ इन कॉन्वर्सेशन विद अली खान, सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल, एक खूबसूरत सुबह के साथ हम आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर। अली, हाउ आर यू फीलिंग? फैंटास्टिक। देखें, इस वक्त कराची में इतनी शदीद गर्मी है कि यहाँ जैकेट पहनने का मौका मिल रहा है इतनी खूबसूरत माहौल में, इतना खूबसूरत माहौल में, व्हाट एल्स कैन वन आस्क फॉर। एग्जैक्टली। अच्छा, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि कॉन्ट्रोवर्सीज को फेस करना पड़ता है, क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ता है, तो क्या अपने बारे में सबसे अजीब कोई कॉन्ट्रोवर्सी या बात सुनी? मैंने तो बड़ी सुनी है अपने बारे में, और मैं ये कहती थी कि बंदा पहले चेक कर लेता है कि क्या है ये, कैसे है, और उसका लिंक भी कोई नहीं होता, यानी कि अगर आप वहाँ से गुजरे भी नहीं होते जहाँ जिस जगह की आपके साथ जिस चीज का आपके साथ या लोगों का नाम लगा दिया जाता है। आई थिंक मेरे साथ सबसे ludicrous controversy जो मैंने अपने बारे में सुनी थी, वो जब पहले साल मैंने पाकिस्तान में काम करना शुरू किया था, तो लोगों ने कहा कि यार ये अली खान बंदा जो है इंडियन रॉ एजेंट है, स्पाई है जी, इसलिए यहाँ काम कर रहा है। मैंने कहा जी देख ले, बस काम कर रहा हूँ, अब ये अपना काम कर गए हैं, जिस काम के लिए आए थे वो काम ये कर गए हैं जी, पाकिस्तानी दुल्हन चुरा के ले गया मैं। जो जो काम करना था वो तो कर गए। अच्छा, इनसिक्योरिटी क्या है लाइफ में? लाइफ में इनसिक्योरिटी ये है कि सिक्योरिटी नहीं है, जितने ख्वाब देखे हैं वो फॉर सम रीज़न बंदा कंप्लीट ना कर पाए, कि जिंदगी कैसी होनी चाहिए, अधूरी ना रह जाए।
अल्लाह का शुक्र है प्रायोरिटी वाइज जो बॉक्सेस टिक करने थे सेजिटेरियस है ना तो पहले से टिक हो चुके हैं ऑन अ पर्सनल फ्रंट. अब ऑन अ प्रोफेशनल फ्रंट बहुत कुछ करना है बहुत कुछ सोचा है उन्हें अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया हूँ क्योंकि हमेशा किसी न किसी तरह की मसरूफियत रहती है. तो बस एक गहरी सांस लेने की बात है और बाकी चीज़ों को बैक बर्नर पर रखना है और जो खुद सोचा है उसको थोड़ा बंदा परस्यू करे. तो बस वो अब उस जगह पर पहुंच गया अपनी जिंदगी. अच्छा फैंस या लड़कियां आपको अप्रोच करती हैं तो क्या डज शी हैव एनी इनसिक्योरिटी अबाउट यू? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड आई हैव अ वेरी मैच्योर एंड अंडरस्टैंडिंग वाइफ. हां कैसे हैंडल करती है वो जो अगर इस तरह का कुछ हो मामला? आई थिंक डेफिनेटली सिक्योरिटी होगी और मैं भी कुछ सिक्योरिटी देता ही हूंगा दैट शी द ट्रस्ट इशू जो डजंट गेट हैसल्ड विद दैट. व्हाट डज शी गेट हैसल्ड विद? She gets hassled with my behavior sometimes. मैं चीखता चिल्लाता हूँ ज़्यादा है वो तो सबको पता चल ही गया. She gets hassled. वो कहती होगी कि मैं इल्ज़ाम तो मैं लगा रही हूँ आप मुझ पे क्यों चीख रहे हैं? ये तो मुझे शिकायत थी आपसे आप मुझ पे क्यों चीख रहे हैं? मैंने तो पाकिस्तानी खाना भी बनाना सीख लिया है. And sometimes मैं ज़्यादा brusque होता हूँ तो she has an issue with that. Basically with my temper and my high-wired energy, but otherwise I don't think she has an issue. या बीवी के relationship में क्या चीज है सबसे solid चीज कि वो होना बहुत लाजमी है? How do you keep it going? एक तो वो बड़ी क्लीशेड बात है that you should try and do exciting things and keep the romance alive वगैरह वगैरह, लेकिन साथ में एक मियाँ बीवी में जब understanding हो जाती है तो बहुत अक्सर कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं होती. एक look सारा कुछ कन्वे कर देता है. लेकिन मेरे हिसाब से एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिस्पेक्ट है कि आपस में आप एक दूसरे को हमेशा रिस्पेक्ट करें. अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट भी है देयर इज नो प्रॉब्लम यू अलाउड टू हैव योर ओन बिल्कुल पॉइंट्स ऑफ व्यू उसमें कोई ख़राब चीज़ नहीं है. यही चीज़ है कि जितनी बड़ी आर्ग्यूमेंट जितनी छोटी आर्ग्यूमेंट हो हमेशा उसको रिजॉल्व करके सोएं. हाँ ये मैंने बहुत सुना है. और ये कभी ना कि सुबह उठ के फिर से आपका मुंह सूजा और फिर से उसी मूड में आप दिन शुरू कर रहे हैं बिल्कुल अनहेल्दी चीज है. जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसे वहाँ रिजॉल्व करें. स्लीप रिलैक्स नहीं so जी आप बिल्कुल मत सोएं और लड़ें रात कूटते रहें एक दूसरे को फिर सो जाएं. जी ये है मुफीद मशवरे जो मैरिज को कायम रखने के लिए अली हमें दे रहे हैं. आप प्लीज इनसे बिल्कुल फायदा. फ्रॉम माय मैरिज ब्यूरो जी बिल्कुल. अच्छा इको आंसर्स है जी मेरे पास 10 सवाल हैं अली के लिए. आपके जरा रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं ना कि क्या है. रैपिड फायर टाइप बट वेरी इजी आसान है कोई इतना मुश्किल काम नहीं है. 10 सवाल हैं जी. आपने हाँ ना यस नो जी नहीं ओके और इशारे में यस या नो इसका इस्तेमाल नहीं करना. अच्छा ठीक है. इसके अलावा आप जो मर्जी जवाब दें ठीक है जी. और आपने लंबा पॉज भी लेना जिसके अंदर आप सोच सके 1 सेकेंड के अंदर अंदर आपने जो है ना वो उस बात का जवाब देना है. कोशिश कर सकते ठीक है जी. क्या आप अपनी फैमिली के साथ टर्की आए हुए? जी जी गलत हो गया ना. यही तो नहीं करना आया हूँ. जो भी ये अब तो गया ना. अच्छा। चॉकलेट पसंद है आपको? बहुत पसंद है. अब इतना पॉज ही ले सकते. अबे यार सोचने का मौका तो दो. सोचने का तो मौका ही नहीं है. यही तो नहीं करना. देखें अगर इसके साथ साथ एक गोल्डन आईफोन 6 प्लस होता तो फिर कुछ दिमाग इस्तेमाल भी करता. क्या है हो सकता है वो आप क्या बात हुई. आप कुछ लालच दे रही है ना. अब मतलब ये लालच में आ जाते हैं. पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर. इनफिरादी फितरत से तो हम एक्टर ही है ना क्या कर सकते. अच्छा फिल्म प्रोड्यूस करने का इरादा है इंशाल्लाह. अच्छा फिटनेस का ख्याल रखते हैं रोज. जापानी खाना पसंद है? बेइंतहा. किस किस्म का और स्पाइसी खाना पसंद है? पाकिस्तानी इंडियन किस किस्म का वैसे खाना पसंद है? कुजीन किस किस्म की? इतना शो वो किए ना. ओहो सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ लेकिन शायद आपके सर के पीछे एक सबमरीन चल रही है. लुक एट दैट जी. माशाल्लाह माशाल्लाह. कैमरा इधर कर ले जी. हमारा कैमरा भी देख ले हमारे नाजरीन भी देख ले के बॉस्फोरस के शहर पे हमें एक सबमरीन भी नजर आ रहा है. मेरे सेट पे एक स्पाई बैठे हैं और वो सबमरीन देखे और वो मेरी सवारी है. ये अली को लेने आई है जी क्योंकि इनके इसके पास बाद
डॉन फिल्म की है जी, मैं तो अब जेम्स बॉन्ड फिल्म करने जा रहा हूँ, देखे मेरे लिए राइट भी आ गई। मेरे ख्याल में जेम्स डॉन होगी फिर। और इनके पास सीक्रेट्स काफी जमा हो गए, तो ये सबमरीन इनको लेने आई है। किस किस्म का खाना पसंद है? मेरा फेवरेट खाना दाल रोटी है जी। आप मुझे दाल दे दे, उस पे लहसुन का तड़का मार ले, अली खुश खुश। चखी की सैर कराई बच्चों को? जोरदार। अच्छा, छुट्टी का दिन घर पे गुजारते हैं? कोशिश करता हूँ। पंजाबी फिल्म की ऑफर हुई तो करेंगे? स्क्रिप्ट अच्छी हुई तो करूंगा। दूसरी शादी का इरादा है? फिलहाल तो नहीं। फिलहाल तो नहीं? अच्छा, फिलहाल तो नहीं है, दूसरा क्रॉस लग गया। क्या आप एक महीने के लिए टर्की आए हैं? 10 दिन के लिए। Not bad, जी, not bad. 8 out of 10. 8 out of 10, बुरी average नहीं है. It's good. ठीक है, इसका मतलब है कि faculties आपकी सही काम कर रही हैं. ठीक है, इस उम्र में भी सही काम कर रही हैं. तो जवानी के दिन है, ये कौन सी उम्र की बात कर रहे हैं खातिन हज़रात? कबाल काले, डाई नहीं लगा है। ये तो अभी हम आपको चेक करके बताते हैं। एनीवे जी, 8 out of 10, not bad at all. Very good. I'm very impressed. Thank you, जी. पढ़ाई में कैसे थे? डफर तो नहीं था, लेकिन ज्यादा मेहनत नहीं की। क्या थे आप? डफर नहीं था। डफर नहीं था, लेकिन ज्यादा मेहनत नहीं की। अच्छा, मेहनत किस पे की? मेहनत एक्टिंग पे की। एक्टिंग पे की। अच्छा, घर में भी एक्टिंग करते हैं? घर पे ज्यादा एक्टिंग नहीं, घर पे ज्यादा चिल्लाता हूँ, लेकिन रोजी रोटी के लिए तो एक्टिंग करनी पड़ती। आज बड़ा मजा आया, 3-4 दिन से चेहरे पर मेकअप नहीं लगा था और मैं मेकअप से बहुत दूर भागता हूँ, लेकिन आज जब यहाँ इस सेट पर आया, बंदे ने कहा सर थोड़ा सा टचअप, फौरन मैं कुर्सी पे बैठ गया। अल्लाह मियां शुक्र है तेरा, कुछ तो वापस चेहरे पे लगा। ब्रेक के बाद हम अली के साथ बात जो है कंटिन्यू करेंगे। जरैन, लेट्स टेक अ ब्रेक। Sunrise from Istanbul, Ali मेरे साथ हैं और Ali बार बार किचन की तरफ मुड़ के देख रहे हैं, का चक्कर भी लगा चुके हैं क्योंकि इनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा खाने की तरफ है। और मरियम मुझे इशारा कर रही है कि खाना बन गया है, तो चले अली जरा जाके इम्तिहान में पुकार रही है, तो चली लेते। बता रही थी कि आज वो पाकिस्तान की ट्रैफिक और उसके ऊपर जो हम सिविक की बातें कर रहे थे, तो उसकी वजह से मैं बड़ी डिप्रेस थी, तो मैंने कहा इसको कि मुझे कुछ ऐसा खिलाओ कि मेरा डिप्रेशन दूर हो जाए। वाकई आपका डिप्रेशन दूर हो गया। पचांगा, दिस इज पचांगा, दिस इज पचांगा, दिस इज पचांगा, पचांगा। पचांगा ऐसा लगता है जैसे अफ्रीकन किसी चीज का, स्वाहिली का लफ्ज है, कुछ जानवर शानवर का नाम है। Thank you, Mariam. Welcome, Mariam. You? Thank you. Enjoy. Achha ji, ye hai ji pachang. Interesting, ye appetizer hai inka. Mariam. It's amazing. Mujhe, it has chilies in it. Thori si chilies in it came jo. Achha laga, it's really nice. ये बहुत अच्छा है, प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा। और ये सूजी का केक बना दिया आपने। Yeah, we have also yogurt cake. Where's the yogurt cake, Mariam? This is the yogurt cake. This is yogurt cake. It's yogurt cake. Yeah. Making it with the yogurt. Wow. Excellent. I didn't see that. Thank you. For you. Wow. Thank you. सूजी है जी, इसमें दही है, जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए थे, और ये बहुत ही मजे का लग रहा है मुझे तो। This is amazing. I want to kiss you. This is amazing. I love it. ये तो जी number one पे dish आई है। Seriously. देखे बाकी अच्छा, मैं दूसरा निवाला खा रहा हूँ। अच्छा जी, और जी आप जाके सारे ingredients और ये बनाने का तरीका note कीजिए, तब तक हम ये खत्म करते हैं। तब तक ये थोड़ी सी पेट पूजा कर लेती है। Depression, depression का इलाज।
चाहूंगा अज्जा। मैदे की पट्टी 300 से 400 ग्राम, पनीर 20 ग्राम, बीफ 16 से 18 टुकड़े, अंडा एक अदद, दूध आधा कप, कॉर्नफ्लोर एक कप, सनफ्लावर ऑयल 2 कप। तरकीब, मैदे की तमाम पट्टियों को 8-8 कट लगा दें, फिर इन पर उबला गोश्त और 2 खाने के चम्मच पनीर डालकर रोल करें। अब अलहदा बर्तन में दूध और अंडे को अच्छी तरह फेंट लें। अब मैदे की पट्टियों को अच्छी तरह अंडा और कॉर्नफ्लोर लगाकर सनफ्लावर ऑयल में तल लें। मजेदार पचानका कैचअप और चटनी के साथ सर्व करें। रेवानी अज्जा, केक बनाने के लिए अंडे 3 अदद, चीनी आधा कप, मैदा 3 खाने के चम्मच, तेल 3/4 कप, सूजी 1 कप, दही 1 कप, लीमू के छिलके 1 अदद, पिसे हुए बादाम और पिस्ते 1/4 कप, मीठा सोडा आधा चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर 2 चाय का चम्मच, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ खोपरा गार्निश के लिए। सिरप बनाने के लिए चीनी 3 कप, पानी 3 कप, आधे लीमू का रस। तरकीब, सबसे पहले सिरप बनाने के लिए पानी और चीनी को तेज आंच पर पका लें। जब चीनी हल हो जाए तो लीमू डालकर हल्की आंच पर पकाकर ठंडा होने के लिए रख दें। अब बर्तन में अंडे और चीनी डालकर फेंट लें, यहाँ तक कि चीनी अच्छी तरह हल हो जाए। अब इसमें तेल, लीमू के छिलके और दही डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और आखिर में तमाम खुश्क अज़ा शामिल करके मुलायम मिक्सचर बना लें। इस मिक्सचर को ओवन में 175 डिग्री पर बेक कर लें। केक ठंडा होने पर काट लें और इसमें सिरप डालकर फ्रीजर में रख दें और ठंडा ठंडा सर्व करें। जी, ये डिश मैं अभी ख़त्म करूंगी, मैं साथ ले आई हूँ किचन से, क्योंकि मुझे डर था अगर मैं वहाँ छोड़ के आऊँगी तो फिर ये मुझे वापस नहीं मिलेगी। इट्स रियली टेस्टी, आप ये दोनों डिशेस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी तरफ से 10 out of 10 है। और अगर आपने इंग्रेडिएंट्स नोट नहीं किए, कुछ रह गया है या उसकी रेसिपी में से कुछ रह गया है, तो फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप हमारी वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। हमारी वेबसाइट है जी www.ctv.pk। हाँ जी, फिर कैसा लगा आपको? पास हो गई है हमारी बच्ची, पास हो गई है, रिश्ता पक्का समझे, पास हो गई है, बस ले चले पाकिस्तान, रिश्ता हम पक्का समझे जी। यू हैव वर्क विद सो मेनी बिग एक्टर्स माशाल्लाह, हॉलीवुड में भी और बॉलीवुड एंड लॉलीवुड, यू वर्क विद बड़े बड़े नामों के साथ आपने काम किया है। जो बड़े नाम होते हैं वो सिर्फ नाम ही बड़े होते हैं कि उनके वो खुद भी बड़े इंसान होते हैं? इतना वास्ट एक्सपीरियंस आपका, उसमें आपने क्या देखा, क्या सीखा, क्या पाया? देखिए, क्रिकेट सब लोग खेलते हैं, इमरान खान एक होता है, ज़हीर अब्बास एक होता है, सचिन तेंदुलकर एक होता है, उसी तरह एक्टिंग सब लोग करते हैं, ब्रैड पिट, शाहरुख खान एक होते हैं। तो अल्लाह मियां ने इन्हें बहुत बड़ा मकाम दिया है, एक रीज़न के लिए दिया है, ऐवे नहीं बने। मेरे तजुर्बे में मैंने लाखी बहुत से लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है, तो जाहिर सी बात है बहुत कुछ सीखने को मिला है। और एक प्रोफेशनल एटीट्यूड जो होता है सेट का, वो काफ़ी नज़दीक से देखने को मिला है। तो एक किस्सा मुझे हमेशा याद है, हम लद्दाख में शूटिंग कर रहे थे, एक फिल्म थी एस्केप फ्रॉम तालिबान, मनीषा कोइराला थी, और उसमें एक सीन था कि मैं विलन बना हूँ, मैं उसको मारता हूँ, वो ज़मीन पर गिरती है और उसे पकड़ के घसीट के ले जाता हूँ, शदीद सर्दी और ज़मीन स्टोन्स वगैरह वगैरह, तो जाहिर सी बात है उसको खराश ये हो। तो प्रोड्यूसर को चीख के कहती है कि जी मैं एक टेक दूंगी यार, मैं डबल ले यार, मैं नहीं कर सकती यार। इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि पिछली रात उसने जो भी किया, शी वॉजन्ट इन द मूड वगैरह वगैरह। प्रोड्यूसर बेचारा सहमा हुआ, ही हैड नो चॉइस, वो टेक दे दिया। अब सिमिलरली जब हम डॉन कर रहे थे शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा के साथ, जो जब डॉन हो रहा था वो मनीषा कोइराला से कहीं ज़्यादा अपने मकाम में ऊंचे थे, तो डिस्कशन चल रही थी डायरेक्टर एक्टर के बीच में कि जी एक्सटीरियर तो हम बर्लिन में कर रहे हैं जहाँ -2 -3 है, बहुत सर्दी, इंटीरियर वो बॉम्बे में जाके मैच करने वाले थे, तो बॉम्बे में अब फिल्म सिटी में अगर सेट लगेगा तो सेट एयरकंडीशन है, फाइट सीक्वेंस होने वाली है, लेकिन फाइट सीक्वेंस शाहरुख कह रहा है कि यार मैं जैकेट में तो नहीं करूँगा यार, फाइट अजीब लगेगा, जैकेट उतार देता हूँ, टी शर्ट में करूँगा, बॉम्बे पसीना गर्मी है वो। फरहान ने कहा बॉस यू आर मेकिंग सेंस, प्रियंका ने बनियान पहनी थी। अंदर जब फाइट सीक्वेंस फिल्म में ख़त्म होता है तो उसका आखिरी शॉट ये है कि शाहरुख हीरो बन के प्रियंका को अपने हाथों में लेके बैंक की सीढ़ियों से उतर रहा है। अब बैंक का एक्सटीरियर तो बर्लिन में था, सर्दी में,
شدید سردی میں -2 لیکن بندے کی پروفیشنلزم دیکھیں, کیونکہ یہ طے ہو چکا تھا کہ وہ ٹی شرٹ میں اندر کرے گا اور جب فائٹ کرے گا تو پسینہ آئے گا, تو شاٹ کے پہلے چار چار لیئرز پہنتے تھے ہم, انکلوڈنگ ایئر مفس, ہیٹڈ سٹف, تھرمل انڈر ویئر, دنیا بھر کی چیزیں. وہ سارے لیئرز اترتے تھے اور پھر واٹر اسپرے سے بندہ پسینہ مارتا تھا تاکہ ان کیریکٹر لگے اور اس سردی میں میچ ہو کنٹینیوٹی باہر اتر کے. تو یہ دس از لائک چوک اینڈ چیز. تو ایز اے کولیگ ہوز واچنگ دس, رات کے 3 بجے ہم فائنلی وہ شاٹ کر رہے تھے, رات کا سیکوینس ہوا میں, چاپرز, لائٹس, آپ بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, اتنی سردی تھی. اور وہ شاٹ کے بعد شاٹ کے بعد شاٹ کے بعد شاٹ. تو اٹس آل اباؤٹ یور پروفیشنلزم, یور ایٹیٹیوڈ. ایگزیکٹلی. اچھا آپ, واٹ اباؤٹ یو, یو ہیو دا سیم, اسی طرح کا آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے؟ کوئی ایسے ایسا موقع آیا جب آپ کے آپ بھی اس قسم کی کسی سچویشن میں تھے؟ اینڈ میرے ساتھ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وچ آئی پریکٹس اینڈ پریچ از کام کے ساتھ بےمانی کبھی نہیں, کبھی بھی نہیں. تو اگر مجھے لگتا ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اگر بہتر کر سکتا ہوں, کیوں نہ میں تھک کے گر جاؤں, لیکن میں اسے دوبارہ کروں گا جب تک میں خود اس سے مطمئن نہیں ہوں. کیونکہ اگر میں مطمئن نہیں ہوں تو آڈینس مطمئن کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس کے ساتھ میں بےمانی کبھی 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 نہیں کروں. یہ بڑی اچھی بات ہے, اور آپ اس کو اپنی زندگی میں ہر چیز میں اپلائی کر سکتے ہیں. بینگ ٹروتھفل ود یور سیلف سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کہ آپ کو تو پتا ہے نا, آپ کا کانشیس تو ہے, آپ کو تو پتا ہے کہ آپ نے کہاں ڈنڈی ماری ہے, باقیوں کو پتا چلے نہ چلے. تو آپ کو تو اپنے کانشیس کے ساتھ, اپنے ضمیر کے ساتھ رہنا ہے. تو اس کا جو ہے سودا کسی کے ساتھ مت کریں, اور اس کے ساتھ ذرا دوستی رکھیں. اس نوٹ پر میں علی سے گزارش کروں گی آپ سب کی طرف سے کہ وہ ہمیں, یو ہیو نصرت صاحب کے ساتھ آپ نے, یو وار ٹیلنگ می کہ کچھ جی آپ کہہ رہی تھی کہ میں نے ہوسٹنگ بہت کی, تو میں نے ہوسٹنگ بہت زیادہ کی ہے. اینڈ فریدہ خانم اور جگیت صاحب کے ساتھ پاکستان آیا تھا, لیکن بمبئی نصرت صاحب آئے تھے, دا لیٹ نصرت فتح علی خان, دا مائسٹرو. اینڈ آئی واز لکی ٹو پریولیج ٹو بی ایبل ٹو ڈو اے شو وتھ ہم. تو میں تب سے, اس سے پہلے سے بھی ان کا بہت بڑا فین ہوں اور ابھی تک ہوں. جو ہم ریہرس کر رہے تھے, بالکل یہاں پہ ایک ہلکا سا سرپرائز پیکج ہے, تو وہ بس دکھا دیں پلیز. آپ فوراً آ جائیے, میں خود سرپرائز ہونا چاہتی ہوں, میرے لیے بھی سرپرائز. اور یہ خاص میری بیٹی عنایا کے لیے, کیونکہ اسے گانے کا بڑا شوق ہے. اونلی فار یو مائی ڈارلنگ. بیوٹیفل.
तुझसे प्यार करो, तुझसे प्यार करो, एक तुझसे प्यार करो। वो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नुसरत साहब की राय याद आप लोगों ने ताजा कर दी। ब्यूटीफुल। अच्छा आपके व्हाट अबाउट योर किड्स, क्या लगता है क्या उनमें टैलेंट है? दे वांट टू कम टुवर्ड्स इस फील्ड या कुछ और आर्ट्स की तरफ आना चाहे तो आप उनको इनकरेज करेंगे? मैं उनको इनकरेज करूंगा टू परस्यू देयर ओन हॉबीज, देयर ओन इंटरेस्ट्स, लेकिन मैं इंसिस्ट करूंगा कि पहले वो एक फॉर्मल तालीम अपनी मुकम्मल कर ले, फिर जो मर्जी करे, फिर जो मर्जी ये करे। ऑन दिस नोट जी हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जुरैन, वी नीड अ ब्रेक। After the break, Sunrise from Istanbul, Ali हमारे साथ हैं, Mariam हमारे साथ हैं, हमारा band हमारे साथ है, आप हमारे साथ हैं, और एक खूबसूरत सुबह के लिए हमें और क्या चाहिए? Do you agree? बिल्कुल, he agrees. बगैर कहे he's agreeing with me. इनके पास और कोई चारा जो नहीं है, अल्फाज ही नहीं है बयान करने के लिए। भाई कितनी बार पूछोगे? जी खुश है, यहाँ पे बहुत खुश है। अच्छा जी, ये हमारे प्रोग्राम का बड़ा ही इंटरेस्टिंग हिस्सा है अली, मैसेज इन अ बॉटल। बड़ी हमने कहानियां सुनी हुई है बचपन में कि मैसेज जब लोग स्टैंडर्ड हो जाते थे तो फिर बोतल एक मिलती थी, उसके अंदर कोई मैसेज डाला जा, SOS का पैगाम डाला जाता था, फिर वो किसी साहिल पे जाती थी, वो बोतल किसी को मिलती थी, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन होता था। इस तरह बड़े रोमांसेस भी चले हैं। वैसे व्हेन यू आर यंग तो क्या तरीका था रोमांस का, पैगाम पहुंचाने का? कबूतर का जमाना तो था नहीं वो। नहीं, क्लासरूम में चिट्स ही पहुंचाते थे, ऐसे फेंकते थे, किसी का दे देते दे दोस्त यार, भाई पहुंचा दे, लंच टाइम पे सैंडविच ले ले, बीच में कि उसने पत्ता कटा दिया और अपनी तरफ से दे दिया, वो शायद हुआ होगा। एनीवे जी, ये बॉटल है, मैं आपको जो हमारे गेस्ट हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि किसी के लिए भी, किसी भी सेलिब्रिटी के लिए, किसी भी वेल नोन पर्सन के लिए जो हमारे हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, उनके लिए ये कोई मैसेज लिख के जाएं, फिर हम उनको स्पेशली यहाँ पे बुलाएंगे। ये बोतल सील्ड होगी, ये अपने अपने हाथ से सील करेंगे, ये बोतल हम यहाँ पे रखेंगे और जब वो गेस्ट हमारे पास आएंगे तो उनको ये पेश की जाएगी, वो इसमें से ये मैसेज निकालेंगे और पढ़ेंगे और फिर उसका वो जवाब देंगे। ठीक है ना, क्लियर ना? ये ले जी, आई एम हैंडिंग दिस ओवर टू यू, आप ओवर टू अली, आप इसके ऊपर मैसेज लिखिए किसी के लिए भी, गेस्ट का नाम भी लिखना होगा, गेस्ट का नाम आप हमें बताएंगे। अच्छा। क्योंकि हमने उनको बुलाना होगा, मैसेज हम नहीं पढ़ेंगे, मैसेज का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, और आपका उनसे क्या गिला शिकवा है या क्या प्यार मोहब्बत है आप, इट्स अप टू यू। अगर कोई पेमेंट का मामला है तो वो भी आप लिख सकते हैं, वो ऐसी कौन सी बात है जो आपने उनके फेस टू फेस नहीं की तो आप वो कर सकते हैं, कोई गिला शिकवा कर सकते हैं, कोई तकाजा कर सकते हैं, कोई वादा अगर उन्होंने पूरा नहीं किया तो उसके ऊपर बात हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, या याद दिलाया जा सकता है, कोई पुरानी बात याद दिलाई जा सकती है, कोई पुराना रिश्ता याद दिलाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अली इज राइटिंग, आप किसके लिए लिख रहे हैं अली? गेस्ट का नाम बता दूं? जी जी, वो तो बताना पड़ेगा। ये एक कराची पाकिस्तान के काफ़ी मशहूर डिज़ाइनर हैं, बड़े इक्लेक्टिक बंदे हैं, अच्छे बंदे हैं, दोस्त भी हैं मेरे, यूसुफ बशीर कुरैशी। वो तो मलंग हैं, हमारे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, और क्या कमाल उनकी शख्सियत है और क्या कमाल वो ड्रेसअप होते हैं। ही इज़ अ डिज़ाइनर हिमसेल्फ और बट वेरी बेसिक,
वो जमीन से बहुत करीब रहना चाहते हैं. इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग पर्सन. और अगर आप उनको नहीं जानते तो जान के आप बहुत खुश होंगे. मोस्टली पीपल इन कराची उनको जानते हैं. कॉम्यून है उनका जो वो रन करते हैं. अगर और नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे जब आपके शो पर आएंगे. जरूरी है जानना, जरूरी है ऐसी शख्सियत और ऐसे लोगों को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आप उनसे सीखते हैं बहुत ज्यादा. ही इज सो फुल ऑफ नॉलेज और वो बहुत मजे की शख्सियत है. और बहुत सारे लोग हम जो भी आर्ट से वाबस्ता है वो किसी न किसी, ये ले जी बोतल खुद खोलें और इसमें डालिए आप, किसी न किसी आर्ट से जो जो लोग. अच्छा ये रिबन भी बांधना है आपने अली. अच्छा ये तो आपका मुंह बंद कराने का भी अच्छा तरीका है. ये रिबन बांध दिए जी. पहले ये डाल दूं अंदर? नहीं, रिबन बांधना था. कहां बांधना था रिबन? इसके ऊपर बांध पर. अच्छा तो जी ताकि ये सबूत हो कि किसी ने खोला नहीं. अरे भाई आप इसके अभी आप इसको सील भी करेंगे. अच्छा जी वैक्स सील भी आ गया जी. बिल्कुल बिल्कुल ये सील है सो दैट हम पे इल्जाम ना लगे. ये ले जी आप. अब उसमें डालिए. अब डाल दूं? अब आप उसमें डालिए. हम बॉटल को सील करेंगे. हाँ बस इसको इसमें हाँ इसको बंद कर दीजिए. ये बंद कीजिए इसके ऐसे करके ये लगाइए. आप अपने हाथ से लगाइए प्लीज. ये ले जी बोतल सील हो चुकी है. मतलब इसको कहते हैं सील पैक. बिल्कुल हो गया. हाँ जी इसके पीछे प्लीज जरा ऑटोग्राफ दे दीजिए. गोल्डन हरूफ में आप अपना नाम लिखिए. मैं अभी टीम से गुजारिश करूंगी कि फौरन जी यूसुफ से रابطہ कायम किया जाए कि अली खान ने उनके लिए एक खुफिया मैसेज लिखा है. जी ये देखें जी बॉटल, इस पे अली खान के दस्तखत हो चुके हैं और इसके अंदर यूसुफ बशीर कुरैशी के लिए मैसेज है. और ये कोई सीक्रेट मैसेज है जो उन्होंने दिया है जो कि वही आके डीकोड करेंगे. हाँ जी ये ले जी ये काम तो हो गया. थैंक यू अली. हम अपने प्रोग्राम के एंड की तरफ आ रहे हैं और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप हमारे शो पर आए और आपने हमारे शो को सुबह सुबह चार चांद लगा दिए. थैंक यू जी. आपने, आपके प्रोड्यूसर्स ने, आपके चैनल ने मुझे बुलाया. आई विश दिस चैनल ऑल द बेस्ट ऑफ लक. इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा. एंड आई होप कि हम बहुत जल्द आपको सी टीवी पर देखेंगे. आपका ड्रामा, आपकी फिल्म, कुछ ना कुछ तो आई एम श्योर हमारी ऑडियंसेस जो है वो सी टीवी पर देखेगी. आपके लिए एक छोटा सा जस्ट स्मॉल हैम्पर फॉर यू. थैंक यू जी. थैंक यू वेरी मच. ये ले जी. और इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम के एंड की तरफ आ गए हैं. आप प्लीज हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा, अपने मशवरों से. अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई है या ना पसंद आई है, आप जिस गेस्ट से मिलना चाहते हैं, किसी गेस्ट से मिलना चाहते हैं, सेलिब्रिटी से मिलना चाहते हैं, कोई इंटरेस्टिंग डिश आप पूछना चाहते हैं, तो मरियम इज़ हियर. मेरा जो लाइव बैंड है, कोई म्यूज़िक अगर आप सुनना चाहते हैं, टर्किश म्यूज़िक है किसी और ज़बान का, तो दे आर हियर फॉर यू. और इसके अलावा मैं आपको दोबारा रिमाइंड कराऊं कि हम एक पूरा अंदाजी करेंगे, ड्रॉ होगा आप लोगों के लिए और जिसका नाम उसमें निकलेगा उसको हम यहाँ टर्की बुलाएंगे, इस्तांबुल यहाँ पे बुलाएंगे जहाँ पे आज हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं, उनसे बातें होंगी. और तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमें लिखें, ईमेल करें, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पेज है, अपनी राय से हमें आगाह करें और हमसे रबते में रहें. बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ योर शो, ये आपके लिए है. हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.ctv.pk. हमारा ईमेल है जी sfi@ctv.pk. और अगर आप हमें मैसेज करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए. इंतज़ार रहेगा हमें. SFI space आपका नाम, मैसेज और आपने भेजना है 4471. जी सनराइज फ्रॉम इस्तांबुल के एक नए एपिसोड के साथ मैं आऊंगी विद अ न्यू गेस्ट, विद अ न्यू रेसिपी और न्यू म्यूजिक के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू सी टीवी एंड कीप ऑन वॉचिंग सी टीवी. खुदा हाफिज़.